देखो आज वही है चीज कि हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन तीन चीजें होती हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई पैराग्राफ प्लस पॉइंट बेस्ड अप्रोच यूज करना है, कीवर्ड्स का यूज करना है, उसको अंडरलाइन करना है और मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स में ब्रेक करना है। मंडे की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं उसके बारे में बात की थी कि भाई न्यूज हेडलाइंस, रिपोर्ट, अहवाल नाखो अथवा तो शॉर्ट स्टोरी, स्लोगन्स, मोटोस, डायलॉग वगैरह डाल दो। ओके, इसके बाद हमने हल्का फुल्का कि भाई बॉडी को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल फॉर्मेट, कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्मेट, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर एक अप्रोच बताई थी आपको लाइफ साइकिल फॉर्मेट, कि अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से आप इंट्रोडक्शन तोड़ सकते हैं, बॉडी तोड़ सकते हैं। एंड लास्ट वर्ड्स इंडिविजुअल फैमिली वगैरह वाला। ओके, इसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क की बात की थी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में एक तो बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कंक्लूजन में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, उसके अलावा जनरली ऐसे होते किस प्रकार के हैं। ओके, देख के आप लोगों मैं है ना ऐसे दिखाऊंगा 2017, 18, 19 जीपीएससी के और 18, 19 और 20 यूपीएससी के। आप अपने हिसाब से सोच के मुझे बताना कि भाई ये ऐसे किस उस दिशा में पड़ता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे का कैटेगराइजेशन किस हिसाब से होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ऐसे लिख रहा हूं क्या वो मेरे स्ट्रेंथ का एरिया है कि नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ऐसे जो आएगा वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आएगा, तो उसको ट्राई करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, इसके बाद मान लो किसी का पॉलिटी आईआर स्ट्रांग है, तो वो ऐसा अटेम्प्ट करे ऐसे जिसमें पॉलिटी और आईआर के गुण आते हो। किसी का अर्थशास्त्र के बेसिस पर जो हम लोग बात करते हैं अर्थनीति वगैरह का, तो इकोनॉमी किसी का काफी अच्छा है, तो प्लीज उस हिसाब से आप लोग चैनलाइज करिए। तो यू मस्ट नो द टाइप ऑफ एसे दैट हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो मैं आपको ये बताऊंगा भाई अलग अलग ऐसे में क्या क्या चीज डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे को चूज कैसे करते हैं, ठीक है, और चूज करके क्या करते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं मैं कि भाई कितने टाइम के अंदर क्या करते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वगैरह। ओके, अपने विस्तार से देखेंगे। और लास्ट में प्रैक्टिस एग्जांपल्स जो है उसमें ना मैंने एक पर्सनली ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं आपको पूरा ऐसे इस फॉर्मेट में कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे लिखते हैं, कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हो सकती है वो आपको दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, रफ वर्क के साथ पूरा ऐसे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको आज दिखाऊंगा। तो दैट विल बी द एजेंडा फॉर द क्लास। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, कंक्लूजन में हम लोग क्या डाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी ऐसे पूछा जाए, उस ऐसे के अंदर जो कंक्लूजन रहता है, ओके, वो कंक्लूजन पॉजिटिव आउटलुक वाला होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव आउटलुक का मतलब ये है कि ऐसे में चाहे क्रिटिकली एनालाइज करने की बात बोली गई हो, चाहे सिर्फ एनालाइज करने की बात बोली गई हो, एट द एंड आपको यही बताना है कि भाई अभी तक जो स्थिति है वो ठीक है, बट उसके आगे हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, या और क्या चीज हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वे फॉरवर्ड करके। ओके, तो दैट इज पॉजिटिव आउटलुक। अब क्या क्या डाल सकते हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अगेन कोई मोटो या स्लोगन डाल सकते हो। ओके, ये हम आगे इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी डालते हैं, कंक्लूजन के पार्ट में भी डालते हैं। ओके, और कंक्लूजन के पार्ट में जब स्लोगन डालो ना, तो वो ऐसी स्लोगन होनी चाहिए भाई जैसे सबका साथ सबका विकास। ओके, सबको लेने वाली, लेके चलने वाली स्लोगन होनी चाहिए। अगर स्टोरीज डाल रहे हो तो स्टोरीज एकदम छोटी होनी चाहिए। एकदम छोटी का मतलब 4-5 लाइन में आपको स्टोरी निपटा देनी है। और अगर मान लो स्टोरी नहीं डालनी है, कोई ऐसा ऐसे है कि जो टेक्निकल ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं जैसे रिवर इंटरलिंकिंग की बात करते हैं, या फेडरल लेवल पे रिवर के डिस्प्यूट्स हैं। ओके, या फिर से जम्मू एंड कश्मीर
जिसकी बैठक होने वाली है कल, उसका मुद्दा है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक है ओके, फिर चाहे वो एनवायरमेंट के हैं या फिर पॉलिटी के हैं या फिर आईआर के हैं, तो ऐसे में तुम स्लोगन नहीं डाल सकते हो। मतलब रिवर इंटरलिंकिंग के ऐसे में क्या स्लोगन डालोगे ओके, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हाईली प्रोफेशनल अप्रोच वाला ऐसे पूछा है। फेडरल लेवल की रिवर डिस्प्यूट या सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर कोई क्वेश्चन है या ऐसे है, तो उसमें भी कोई स्लोगन डालने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, स्लोगन किस में पड़ता है? हिस्टोरिकल एसेज में पड़ता है स्लोगन, ठीक है, या प्योरली एनवायरमेंटल एसेज में पड़ता है, या फिलोसॉफिकल वाले में पड़ता है ओके। जम्मू कश्मीर है तो भाई आर्टिकल 370, 35A, इन सब की अगर बात हो रही है तो लास्ट में तुम क्या स्लोगन डालने वाले हो ओके? तो ऐसे सारे एसेज के अंदर तुम क्या डाल सकते हो, यू कैन यूज वे फॉरवर्ड, कि आगे कैसे बढ़े ओके, रिवर इंटरलिंकिंग आगे कैसे बढ़े, कि भाई प्रोस और कॉन्स दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमको ये देखना है कि भाई एनवायरमेंटल डैमेज ना हो वगैरह वगैरह। ठीक है, फेडरल लेवल में भी सेंटर स्टेट की अगर बात करें तो भाई पॉलिटी हमने चार लोगों का स्लोगन पढ़ा हुआ है। आइवर जेनिंग्स बोलता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ग्रैनविल ऑस्टिन बोलता है कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो ऐसी चीज तुम डाल सकते हो कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद के साथ आगे बढ़ा जाए ओके। जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में भी कि स्टेटहुड के बारे में आप बात कर सकते हो ओके। तो दैट इज वेर यू यूज वे फॉरवर्ड, दैट इज नॉट वेर यू यूज स्टोरीज। तो ये तीन प्रकार की कंक्लूजन आ सकती है। तो दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ओके। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसेज की बात करते हैं। मोटा मोटा कितने प्रकार के ऐसे आते हैं और जिस प्रकार के ऐसे है ना, उस प्रकार के ऐसे में क्या क्या डालना जरूरी है या क्या क्या डाल सकते हो आप ओके। तो लेट अस टॉक अबाउट, पहला जो कैटेगरी आता है, तो पहली कैटेगरी है पॉलिटिकल एसेज की ओके। पॉलिटिकल एसे में आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसे कैसे ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं, फिर मैं भी आपको कुछ ऐसे के टॉपिक्स बताऊंगा। कोई बता सकता है कि भाई पॉलिटी की साइड पे कैसे ऐसे बन सकते हैं या बनते आए हैं? राजनीति के, राजनीतिक व्यवस्था वगैरह के ऊपर कई प्रकार ना ऐसे आ सके। मंथन बोल रहे हैं इलेक्शन ओके, चुटनी ने लगता ऐसे आ सके बिल्कुल। इलेक्शन के अलावा रौनक बोल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स नहीं, वो आईआर का पार्ट है रौनक। आशा बता रही है गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस टू बी मोर स्पेसिफिक। धारा बता रही है जुडिशियरी ओके, लो इधर मैं लिखते ही जा रहा हूं ओके। जैसे आप लोग बोल रहे हो इलेक्शन ओके, इलेक्शन में आज की तारीख में कैसा ऐसे आ सकता है? तो अगर एकदम सिंपल हम लोग बात करें तो इलेक्शन के अंदर मेन ऐसे का मुद्दा बन सकता है इलेक्टोरल फंडिंग ओके, पैसा ने लगती बातचीत थी सके ओके। इलेक्टोरल फंडिंग के अलावा जैसे आपने बताया कि भाई गुड गवर्नेंस एक ऐसे का टॉपिक है, ये सब लिख लेना कि इनमें से टॉपिक आ सकता है। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपको नोट्स बना के रखनी है ओके। गुड गवर्नेंस हो गया, उसमें भी खास करके ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो ओके, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। इसके अलावा जुडिशियरी, जुडिशियरी में बहुत सारी चीजों को लेकर आ सकता है भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है या जुडिशियल ओवररीच ओके, तो उससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा भरत बता रहे हैं राज्यपाल की भूमिका विषय ओके, रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका। अगर ये ना समझ में आए तो सेंटर स्टेट रिलेशंस जिसकी हम लोगों ने अभी अभी बात की वो ठीक है। इसके अलावा और ऐसे क्या आ सकते हैं? ब्रजेश बता रहे हैं एक्टिविज्म ओवररीच फाइन, जिगीश बता रहे हैं विरोध पक्ष, शाही, शाहीनो प्राणवायु, लोक रह गया कोई नहीं, लोक शाहीनो प्राणवायु ओके, विरोध पक्ष। जैसे पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे आ सकता है, खास करके उसके फंक्शनिंग को लेकर कि भाई आज नी तारीख में खास करीने COVID-19 ना छेल्ला जे दोढ़ बे वर्ष गया छे, तो एमा संसद नी कामगिरी तद्दन ठप थई गई छे ओके। इस कॉन्टेक्स्ट में इस बार के जीपीएससी में क्वेश्चन या ऐसे आने के 100% चांसेस है ओके। पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियरी या एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी ओके, तो आनो एक ऐसे अथवा तो आनी नोट्स तैयार करीने रख दो ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट वर्सेस या एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी
क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग गाइडलाइंस निकाल रही है, दूसरी तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर निकाल रहे हैं, और दोनों के ऑर्डर क्लैश हो रहे हैं। खास करके वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में, वैक्सीन की डिप्लोमेसी में, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई हो, ठीक है। उसके अलावा गैलेक्सी ऑन मैक्स बता रहे हैं भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ऐसे भी आ सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, रोल ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 356, ये सब एक में ही क्लब करके लिखना है। इसके अलावा और क्या आ सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्ष पलटो अथवा तो दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। उसके बाद यश बता रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म। ये फिस्कल फेडरलिज्म इज अगेन अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओनली, तो ये आ सकता है। इससे रिलेटेड मान लो फाइनेंस कमीशन की कुछ चीजें आ सकती है, ठीक है, उसकी नई रिपोर्ट आई है, 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से ही ऐसे बनता है। एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी डेफिनेट केस में जीपीएससी पूछता है, यूपीएससी नहीं पूछती, जीपीएससी पूछे छे ब्यूरोक्रेसी ना केस में कि भाई ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी नी शू खासियत छे अथवा तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी नी शू खासियत छे। इसका 100% केस में एक ऐसे आप देख पाओगे, अपने पुराना पेपर देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा। या फिर ऐसा कुछ पेपर के अंदर ऐसे आएगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो छे एमा रेड टेपिज्म वधी रहेलू छे। रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ऐसा आप बोल सकते हो कि भाई फाइलो जो छे ऑफिस ऑफिस नी लास्ट क्लास में बात थेली, तो फाइलो जो छे ते एक टेबल थी बीजा टेबल ज फरिये राखे छे, काम थता नथी। तो ये ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सब एक साथ क्लब करके बनाना इसका नोट्स। मितेश बता रहे सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग कोविड, हाँ ओ दैट इज फाइन, ये कोविड वक्त है ने कोविड सिवाय पण आवी शके छे। बाबुल बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके फाइन। गैलेक्सी बता रहे हैं हाउ इंडिया इज सेक्युलर, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इंडियन एथोस के ऊपर भी ऐसे आ सकता है कि भाई अपना देश में अंदर जो तमने कहेवामां आवे कि भाई एवा शू एथिक्स छे, एवा शू प्रिंसिपल्स छे जेने आपणे इंडियाना फाउंडेशनल वेल्यूज कहीए छे। तो ऐसी कोई चीज के ऊपर भी ऐसे आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यश बता रहे हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वेरी गुड। ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसमें खास करके पंचायत और म्यूनिसिपालिटी की जो व्यवस्था है इसके ऊपर भी ऐसे बन सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल घनी बार पूछाई चुकेलो है, क्वेश्चन पण पूछाई छे, ऐसे पण पूछाई छे, महिलाओं की पंचायत के अंदर स्थिति क्या है, क्योंकि 33% आरक्षण मिलता है, 33% रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या विमेन की सिचुएशन पॉलिटिकल अरीना में खास करके ग्रास रूट लेवल पर सुधरी है कि नहीं सुधरी है, या विमेन रिजर्वेशन बिल क्या इसको लागू करना चाहिए कहां पर, लोकसभा और विधानसभा में या नहीं, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ये भी पूछ सकते हैं। पलक बता रही हैं डेमोक्रेसी, नेहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स गुड, अभी अपने बात कर चुके हैं। बाबुल लॉ मेकर्स वर्सेस लॉ एनफोर्सर्स, दैट इज अगेन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव डिबेट। एनआरसी और सिटीजनशिप, वेरी नाइस। सिटीजनशिप को लेकर भी ऐसे आने के चांसेस हैं, अत्यार सुधी आवे नथी। नागरिकता ने लग तो अत्यार सुधी एक ऐसे नथी आवे, तो इसमें आपका एनआरसी हो गया, आपका एनपीआर हो गया, आपका सीएए हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता में ना कायदा में 2019 में जो सुधारो आवेलो, इवन देट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे। दिवेश बता रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दिवेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं पूछता, बंधारणीय सुधारा पेपर टू पॉलिटी ने अंदर डायरेक्टली पूछवामां आवे छे, ऐसे में वो नहीं पूछ रहे। क्योंकि इतना इतना सिंपल चीज नहीं पूछा जाएगा कि जो आप सीधा लिस्ट डाउन कर सको। एप्लीकेशन ऑफ माइंड एनालिसिस ये सब भी जरूरी है। जय बता रहे यूनिवर्सल सिविल लॉ, ठीक है, यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऊपर ऐसे आवी शके छे। चवाई गयेलो टॉपिक छे यूसीसी, समान नागरिक धारो, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है।
ओके प्रिया बता रहे हैं ये नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट प्रिया इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा, उसको अपने देखेंगे बाद में, ठीक है। बाबुल बता रहा है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लॉ गैलेक्सी यूसीसी, ओके। फार्मर के इशू की बात कर रहे हैं शिवम, गुड। फार्मर इशू को हम लोग इकोनॉमी में भी ले सकते हैं, इसको अपने पॉलिटी में भी ले सकते हैं, फॉर अभी इसको इकोनॉमी में ही ले लो, ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पर इकोनॉमी लिखा हुआ है, ओके। तो फार्मर नो इशू के खास करीने पहला तरण बिल्ली ऊपर जो मगजमारी चाली रहनी है, ओके। या लार्जर इशू की अगर बात करें कि भाई एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन इंडिया, ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसके अलावा ब्रजेश बोल रहे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके, बट वो यूपीएससी नहीं पूछेगी, जीपीएससी पूछेगी, क्योंकि जीपीएससी अगर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही है तो उन्होंने एक बार एंग्लो सेक्सन करके जो व्यवस्था होती है ब्यूरोक्रेसी में उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था, ओके, चैट में लिख रहा हूं एंग्लो सेक्सन, अगर किसी को नहीं पता तो वो इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, एंग्लो सेक्सन ब्यूरोक्रेसी खास करके इन टर्म्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, ब्रिटिश ना समय में ते वक्त है, खास करीने जर्मन इन्फ्लुएंस साथ है, कई प्रकार की ब्यूरोक्रेसी नी रचना थती थी, दैट इज एंग्लो सेक्सन ब्यूरोक्रेसी, ओके। इसके अलावा बाबुल बोल रहे रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दैट इज आईआर बेस्ड एसे, ओके। तो मोटा मोटा आप लोग मार्क करके रखिए, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन के ऊपर, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और जो एकदम करंट इश्यूज चल रहे हैं जैसे सिटीजनशिप हो गया या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या फार्मर्स इश्यू वगैरह हो गया, ओके, तो इसके ऊपर आ सकता है। तो दैट इज द होल एंड सोल ऑफ पॉलिटी। 10-12 मुद्दाओं तैयार करवाना छे, एनी नोट्स तैयार करवानी छे, अगर इतना आपके अंदर आ जाता है तो देन यू आर वेरी मच गुड टू गो विद द पॉलिटिकल एसे, ठीक है। और पॉलिटी के एसे में आपको क्या क्या डालना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको डालने हैं, तमने जो पॉलिटी नो ऐसे लखो होए, देन यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट बंधारण एक एक जे पण आर्टिकल्स छे, अनुच्छेद छे ते, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं गवर्नेंस को लेकर चीजें लिख रहा हूं, तो गवर्नेंस के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसी, इसके आर्टिकल 100% केस में आने ही चाहिए, आना अनुच्छेद तो तुम्हारे लखवाना ज रहेशे, ओके। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, वेलफेयर स्टेट नो जो कॉन्सेप्ट है, ओके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, समथिंग ऑफ दैट काइंड, तो उसमें ये सारी चीजें आपको डालनी है, ओके। मान लीजिए एक अलग टाइप का ऐसे बनाया है कि COVID-19 में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, ओके, छोटा ऐसे है, ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट दे माइट आस्क यू समथिंग ऑफ दैट काइंड, ओके, COVID-19 एंड डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, ओके। और इसके बहुत सारे रिपोर्ट भी आए हैं, और रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भाई COVID-19 में जरे लॉकडाउन में लोगों घरे बैठता आता, तो एट दैट टाइम घरेलू हिंसा ना बनावो में वधारो थियो, ओके, दे हैड इंक्रीज्ड। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो अगेन आपको इसमें कोई डीपीएसपी या कोई फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह की बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की गई है, ठीक है, मोस्ट ऑफ लोगों को शायद पता होगा कि भाई महिलाओं ने डिग्निटी नहीं अगेंस्ट कार्य करवू नहीं, तो अपनी मूलभूत फर्ज है, ओके, तो समथिंग ऑफ दैट काइंड आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा कानून डालने पड़ेंगे, लॉज भर भर के, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई बताएगा कौन कौन से कानून भारत में लागू होते हैं, अगर कोई बता सकता है क्या क्या कायदा हो घरेलू हिंसा रोकवा माटे लागू करवामां आवेला छे, डोमेस्टिक वायलेंस कोई बता सकता है कुछ कानून? जिगेश बता रहे हैं पॉक्सो, पॉक्सो यार 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे के ऊपर अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। जी बता रहे हैं भाई कौन हो जी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ओके, डायर भी बहुत बढ़िया। बाबुल बता रहे हैं आईपीसी की धारा 498 कैपिटल ए 498, ओके। दिग्विजय बता रहे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये दो
धाराएं लग सकती है या कानून लग सकते हैं। हितेश बता रहे विशाखा गाइडलाइंस पण आपवामां आवेली छे। यस ओके, सेक्सुअल हेरेसमेंट को लेकर खास करके विशाखा गाइडलाइंस है, आप उसको टच करके लिख सकते हो वहां पर, ठीक है, डायरेक्टली हिट नहीं होगा बट यस सेक्सुअल हेरेसमेंट का वो पूरा सेगमेंट आता है विशाखा गाइडलाइंस। ओके अभी है ना एक और केस चल रहा है, हाँ जी नेहा बता रही है सेक्सुअल हेरेसमेंट वर्क प्लेस का एक्ट है 2013 का है, बिल्कुल ओके बहुत बढ़िया। अभी है ना एक केस चल रहा है, ये लव जिहाद का बहुत केस चल रहा है, यू नेवर नो इसका ऐसे भी आ सकता है ओके, क्योंकि अभी अभी गुजरात के अंदर फर्स्ट टाइम वो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास किया है गुजरात के अंदर अमेंडमेंट के बाद, पहली बार एक लव जिहाद का केस आया है। पढ़ा था भाई आप लोगों ने लव जिहाद के केस के बारे में? हाँ जी, तो उसमें केस कुछ इस प्रकार से आया था कि भाई एक बंदा है क्रिश्चियन बन के आया था सैम मार्टिन करके, ठीक है, लड़की को बहला फुसला के शादी करने की बात की, बाद में लड़की को पता चला कि लड़का तो मुस्लिम है और वो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें ना न्यूज़पेपर में बहुत सारी धाराएं आई थी कि भाई आईपीसी ने कई कई कलमों लागे, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन भी हो गया, धर्म परिवर्तन नो कायदो पण लागी गयो। ओके तो लव जिहाद का भी एक थोड़ा एंगल जो है आप कवर करके रखना। ओके अभी अभी 1000 कन्वर्जन के केसेस का भी मामला सामने आया है यूपी में। हाँ जी बिल्कुल ओके, गई काले लगभग घटस्फोट थियो। ओके 1000 मामलो सामने आवेला छे धर्म परिवर्तन ना। ओके तो आर्टिकल 14 19 21 एंड 25 ये चार आर्टिकल का पूरा एंगल बन सकता है जिसके ऊपर जिसका यूज करके दे माइट आस्क यू एन एसे। ओके अनुच्छेद 14 समानता इक्वालिटी की बात करता है, अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ये चार को एक साथ परोसा जा सकता है, ठीक है। 19 का भी खास करके केस बहुत बढ़ गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुमने ध्यान होए तो 3 स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के जिनको अभी अभी बेल पे छोड़ा गया है, जिनके अगेंस्ट यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून डाल दिया गया था। ओके कुछ आया ध्यान में? हमणा नुज न्यूज छे अगर आपको याद हो, दिस इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट को 100% केस में आप लोग कर लीजिएगा। ओके 3 स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू इनको बेल दी गई है। ओके तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया था, कोर्ट ने वही बोला था कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अलग चीज है और अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो अलग चीज है, तो इनके दोनों के बीच की लकीर को आप मिटाइए मत, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आ बड़ा रीसेंट मुद्दा हो चाहे। ओके लव जिहाद भी इधर लिखा हुआ है, इसके लिए गुजरात में एक एक्ट है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक एक्ट है, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ बड़ा मामलाओं के ऊपर थोड़ा फोकस कर जो। हाँ जी नाम दे दिए हैं बाबुल ने, नताशा देवांकलिता और इकबाल, ठीक है फाइन। ओके एनीवेज तो दैट इज अबाउट पॉलिटिकल एसेज। नेक्स्ट कैटेगरी आता है भाई, किसी को कोई भी डाउट है कुछ जोड़ना है तो बोल देना। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसे इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एसे आता है। ओके इसमें आप लोग बताइए कि इकोनॉमिकल एसेज में अगेन क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, फिर मैं इसमें और चीजें जोड़ता जाऊंगा। इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या एसेज आप देख सकते हो। मंथन बोल रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आ सकता है, नॉट नेसेसरीली, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक नानो टॉपिक था ही गया। ओके करंट अकाउंट सरप्लस के कैपिटल अकाउंट डेफिसिट ये सारी चीजें नहीं आएगा भी। पॉवर्टी इन इंडिया देखो ये तो किसी पीटी चीजें हैं, इसके ऊपर तो आपकी नोट्स होनी चाहिए। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हंगर स्किल डेवलपमेंट लेबर इश्यूज, ठीक है, ये 5 चीजें ऐसी है जिसका कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमी के ऐसे में यूज होगा। ओके
अब इकोनॉमी के ऐसे में अगर आप ये सारी चीजों का यूज करते हैं तो एवी व्यक्ति फक्त इकोनॉमी ना ऐसे लखवाना जेमनो स्टैटिस्टिक्स ने रिपोर्ट्स ने स्कीम्स ने ऊपर पकड़ होए। ओके यू मस्ट नो कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। WPI 12.94% पे है, CPI 6% के आसपास। ओके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। वही लोग ट्राई करना इकोनॉमिक्स बेस्ड ऐसे को अटेम्प्ट करने की। ओके और क्या क्या चीजों पे ऐसे आ सकता है तो ओके मोहित पॉवर्टी बोल रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बता रहे हैं गैलेक्सी वेरी नाइस, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी ऐसे आ सकता है। ओके इसमें खास करके डिजिटल इकोनॉमी को रिलेट करके बहुत सारे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अभी पढ़ चुकेला है UPSC में डिजिटल इकोनॉमी 4 साल पहले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वापस पूछे जा सकते हैं। धारा बता रही है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट। हाँ धारा उसको हम बोल सकते हैं बट उसको धारा हम लोग एनवायरमेंट में ही डाल देंगे। डेवलपमेंट एनवायरमेंट डिबेट, एनवायरमेंट पर से ना प्योरली कोई ऐसे आउट ना दी, जनरली ऐसे आवे ना तो डेवलपमेंट नहीं साथ डिबेट में जावे। ओके तो उसको हम लोग उधर रखेंगे। स्वाति बता रही है एग्रीकल्चर प्लस फार्मर इशू, यस ऑलरेडी डन, ठीक है। जय बता रहे GDP, GDP पे कोई ऐसे एस सच नहीं आएगा बट हाँ कुछ नई टर्म लेकर आए हैं तो भाई GDP वर्सेस GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ओके तो ऐसा कोई ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई GDP अपने माटे इकोनॉमिक्स नी अंदर एक सारो मापदंड छे और वी शुड शिफ्ट टू नाउ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो भूटान करके कंट्री है इसका यूज कर रहा है। ओके शुड वी शिफ्ट टू इट के भाई GDP साथ ही रहू जो ये। ओके सच टाइप ऑफ ऐसे ओपिनियन बेस्ड ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। इशिका बता रही क्रिप्टो करेंसी साइंस में आएगा, ठीक है। दिग्विजय बता रहे बैंकिंग रिफॉर्म, ओके बैंकिंग रिफॉर्म से बेटर है NPA के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या मर्जर एक्विजिशन जो हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। ओके इसके ऊपर आ सकता है ऐसे, ठीक है, इस हिसाब से कुछ चीजों पे ऐसे आ सकता है, इसको यूज करना है। फिर COVID-19 की बात की है, COVID-19 एंड आत्मनिर्भर भारत, वेरी गुड, आत्मनिर्भर भारत अनि पर पण ऐसे आवी शके छे। ओके आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह। ओके इससे जुड़े हुए ऐसे भी बन सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन, ओके इन्फ्लेशन तो उतना डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। कोरोना की इफेक्ट क्या हुई इकोनॉमी, हाँ जी ठीक है। देखो यार कोरोना का तो ऐसा है कि कोरोना का पूरा ही कर लेना आप, COVID-19 इसका साइंस क्या है, ओके और इसकी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ी है और इसकी एजुकेशन वगैरह पे और हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ी है, मतलब सोशल सेक्टर्स पे भी क्या इफेक्ट पड़ी हुई है, इतना तो आप कर ही लेना। COVID-19 पर कंप्लीट माहिती जो है 10 से 12 पन्ने का नोट्स प्रिपेयर करके ही रखिएगा। ओके क्योंकि आज जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए शायद क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर अभी नहीं आप लोग प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देने वाले हो तो डेफिनेट केस में आएगा, क्योंकि तब तक आप भूल चुके होंगे कि भाई COVID-19 ने क्या उत्पात मचाया था टू क्वाइट एन एक्सटेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जूनो टॉपिक थी गयो, हवे एनु कोई एटलू इम्पोर्टेंस नहीं। प्रिया बता रही इंडियन पॉपुलेशन राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ब्रुजेश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे, ठीक है। लेबर लॉस, यस लेबर लॉस में जे 4 कोड आवेला छे, लेबर कोड जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये 4 कोड पढ़ लीजिएगा। ओके एक वेजिस के ऊपर है, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर है, ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है, एक इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स वगैरह के ऊपर है। तो 4 कोड आए हुए हैं, वो कोड बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। यश बता रहे हैं गिग इकोनॉमी, हाँ जी अनोपण ऐसे आवानी संभावना है। गिग इकोनॉमी मतलब अपने ये जो स्विगी उबर ओला वाले कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जो है ये जो इकोनॉमी चला रहे हैं इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं, या प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। जीश बता रहे एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी, ओके अभी है ना आज का ही न्यूज है ई कॉमर्स, ओके अगर आपने पढ़ा हो तो ई कॉमर्स के ना रेगुलेशन लागू हुए हैं, ई कॉमर्स के रूल्स 2020 के लागू किए गए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लीजिएगा। ओके शिवम बता रहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग APMC एक्ट, ओके यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर,
ओके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाबुल बता रहे हैं कोट बाय थिरुवल्लुवर पे डाल सकते हैं लाइक यूज्ड इन बजट. नहीं, हम ऐसे के टॉपिक बाबुल डिसाइड कर रहे हैं. जिगीश, डिजिटल डिवाइड, फाइन, ठीक है. ये डिजिटल डिवाइड को है ना, आप इधर डाल सकते हो. फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल डिवाइड, कि भाई इंटरनेट ने स्मार्टफोन की सुविधा गामड़ा सुधी हजू पहुंची नहीं. ओके, नेहा बता रही है थालीनॉमिक्स. यस, थालीनॉमिक्स है, बट अभी उसका कितना हद तक ऐसे आएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है. बट थाली इकोनॉमिक्स के अगर बात करें तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर, या जिसको हम लोग थाली इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, उसका भी कोई सेगमेंट इसके साथ लिंक हो सकता है. एक और चीज है यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसके ऊपर भी एसेज बन सकते हैं, ठीक है. तो दिस कैन ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रिया बता रही है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ओके दैट इज फाइन, वी हैव डन इट. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ओके. सर्क्यूलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यश, गुड. ओके, ये सर्क्यूलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं. इस पर ऑलरेडी जीपीएससी पूछ चुकी है, तो वी कैन टॉक अबाउट सर्क्यूलर इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है. इसको इधर डाल देते हैं. ओके, लीनियर वर्सेस सर्क्यूलर इकोनॉमी, के भाई पहला वस्तु बनाता, वापरता, डिस्कार्ड करता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. डिस्कार्ड करने के बजाय हम लोग रिसाइकल करके उसको रॉ मटेरियल के तौर पे वापस यूज करेंगे, तो दैट इज सर्क्यूलर इकोनॉमी. इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसका ऐसे भी आ सकता है आने वाले समय में. ओके, मोहित बता रहे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आईआर में आएगा. दिग्विजय, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, वो साइंस एंड टेक में दिग्विजय पढ़ सकता है. जिगीश, बैड बैंक्स की बात करें, दैट वी आर ऑलरेडी डन विद एनपीए नी अंदर. बैड बैंक्स, पैरा बैंक्स नो मुद्दो आवी शके छे, ठीक है. न्यू एंड इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग एरियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है बाबुल. मोर और लेस क्वेश्चन पूछा जाएगा. प्राइवेटाइजेशन, यस, इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर है ना, अभी बहुत सवाल उठाए गए थे कि भाई प्राइवेटाइजेशन करे से देश ने बेची मार्श है. ओके, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. कोविड इंपैक्टेड द जीएसटी, यस, जीएसटी तो टैक्सेशन का पूरा मुद्दा आता है, ठीक है. इसको इधर ले रहा हूं मैं. टैक्सेशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है टैक्सेशन में, खास करके अभी आईटी और कॉरपोरेट टैक्स जो है उसके ऊपर बहुत न्यूज आ रहा है, और जीएसटी तो सदाबहार है, तो उसका भी न्यूज आ सकता है या ऐसे आ सकता है, ठीक है. इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस, एमएसएमई, वो सब स्किल डेवलपमेंट और उसके अंदर आ जाएगा. यश, मोहित बता रहे ट्रेड पॉलिसी, नहीं कभी भी है ना डायरेक्टली पॉलिसी के ऊपर ऐसे नहीं पूछते हैं. मतलब पॉलिसी में ऐसे क्यों पूछेंगे, आप सीधा पॉलिसी लिख सकते हो, ऑफ नो यूज. बाबुल बोल रहे स्पेस कमर्शियलाइजेशन, ये आएगा साइंस एंड टेक में. ओके, बाबुल करेंसी स्वॉप, करेंसी स्वॉप, फॉरेन रेमिटेंस, प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू बैंक मर्जर कवर्ड. चैतन्य, रिसेशन अने विशियस साइकिल, ओके, वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब इसी में आ जाएगा, विशियस साइकिल. ओके, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में यूज हुआ था. जय बोल रहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नहीं आवे ऐसे. ओके, वो नानो टॉपिक है. ओके, तो ऐसे ना पेपर में नहीं आवे, हो सकता है कि इंग्लिश गुजराती के ऐसे में आ सकता है. चैतन्य, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यस, दैट इज अगेन गिग इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब उसमें आ जाएगा. उमा बता रही है ब्लू इकोनॉमी, यस, ब्लू इकोनॉमी अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी आ सकता है. नेहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिफॉर्म्स इन क्रॉप पैटर्न, ओके. 4.0 इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबको कनेक्ट करता है, तो वो सब योजनाएं जो है ना, वो ये पूरा एक सेगमेंट ही बनता है उसका. वाटर गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, ओके, वाटर का सारा चीज पॉलिटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है वाटर का इशू. जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, ओके फाइन. डिजिटल इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन उसमें डाल सकते हो. पेटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं बाबुल, पेटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन, ठीक है, साइंस एंड टेक का मामला होता है. तो मोटा मोटा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इतने टॉपिक आपके बनते हैं. या तो स्कीम्स का पूरा जत्था आपके सामने आएगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एमा केटला फुलफिल थाया केटला नहीं थाया, या फिर पूरा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आएगा, बैंक मर्जर एक्विजिशन, जीडीपी जीएनपी डिबेट एटसेट्रा, या फिर टैक्सेशन या फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आएगा,
या फिर आज की तारीख में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आ सकता है कि भाई बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, थाली इकोनॉमिक्स, यूबीआई वगैरह क्या है, या ब्लू इकोनॉमी या कोई अलग एरिया पकड़ सकता है। ठीक है, तो अगेन आप देखो तो 9 से 10 टॉपिक के अंदर पूरा आपका इकोनॉमिक्स के ऐसे बन सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के ऐसे में स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट स्कीम का यूज, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो भाई स्किल डेवलपमेंट का ऐसे आता है तो आपको कम से कम 10 स्कीम्स स्किल डेवलपमेंट की पता होनी चाहिए। ओके, मतलब कौशल विकास योजना एंड ऑल दैट इज फाइन, ओके दैट इज द बेसिक पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि भाई माइनॉरिटी का स्किल डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, ओके तो उनकी भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, टैक्सेशन की अगर बात करें तो भाई टैक्सेशन में कई कई स्कीमों चाली रहली है, तो के भाई विवाद से विश्वास स्कीम अथवा तो सबका विश्वास स्कीम। ओके, तो ऐसी सारी स्कीमें क्या क्या चल रही है उसका पता होना चाहिए। कायदे कानून भी पता होने चाहिए कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मान लीजिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट हो गया या इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के लॉस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक्स बेस्ड एसे। किसी को कुछ जोड़ना है, ऐड करना है तो बोल सकते हैं। दिग विजय बोल रहे हैं मिथेनॉल इकोनॉमी, मिथेनॉल इकोनॉमी ठीक है, इट इज मोर ऑफ अ साइंटिफिक एसे कि भाई साइंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे कर सकते हैं। ओके, रौनक बोल रहे हैं आईटी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड किस में आएगा, वो आएगा साइंस एंड टेक के अंदर प्राइमरीली विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटी। ओके, यहां पर तो मैं ऐसा एक एक टॉपिक लिख के बोल रहा हूँ, जनरली है ना कॉम्बिनेशन में आता है पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, पॉलिटी प्लस साइंस एंड टेक, इकोनॉमी प्लस एनवायरमेंट। ओके, बट जिसका बेस क्या है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीन पर से निकाल रहा हूं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल ऐसे में भर भर के, ठीक है, आप लोग बता सकते हो। जैसे एक चीज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ऐसे के टॉपिक्स बन सकते हैं। या काफी लोगों ने पहले ही बोला था कि भाई इकोनॉमी वर्सेस, या इकोनॉमी ना बोल के डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट, यूपीएससी का सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक। जीपीएससी अभी तक इस पर नहीं आई है ठीक से, यूपीएससी में डेवलपमेंट विकास और पर्यावरण वच्चे संतुलन जाड़वाने ऊपर निबंध पूछा है। ओके, स्वाति बता रही है डिजास्टर मैनेजमेंट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सीजन। ओके, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है ऐसे। और डिजास्टर अलग अलग टाइप के हो रखे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो रखा है, वो लोकस्ट तीड़ जे आता ते आ चुकेला। ओके, तो एग्रीकल्चर में भी डिजास्टर हो रखा है, केमिकल डिजास्टर भी हुआ था वाइजैक में, अगर आपको ध्यान हो तो वाइजैक में एक प्लांट में से लीक हुआ था गैस, ठीक है, तो वो डिजास्टर भी हो चुका है ऑलरेडी। बाकी नॉर्मल जो डिजास्टर होते हैं भाई, भूकंप आना, भूकंप भी अभी आया है थोड़े समय पहले नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, साइक्लोन आ चुका था। ओके, कौन सा साइक्लोन आया था भाई अपने यहां पर, क्या वावा जोड़ा है घमरोड़ेलू अपनी साइड, हाँ जी ताउते, ठीक है, ताउते आवेलू, बिल्कुल, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट में सिंपली जीपीएससी ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि भाई ताउते वावाजोड़ी जैसी घटनाओं में कई प्रकार नो गुजरात सरकार नो वलण होमु जोइए, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, या गाइडलाइंस पूछ लिया आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। ओके, इसके अलावा बिल्कुल यश बता रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया, वही टाइप कर रहे थे हम लोग। वेस्ट मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा बायो वेस्ट, खास करके कोविड के टाइम में। इसके अलावा प्लास्टिक का जो वेस्ट चल रहा है वो, और लास्ट में एक आता है न्यूक्लियर वेस्ट, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इससे मैं आपको याद दिला दूं कि आप अत्यारे गुजरात सरकार ने गई काले ई व्हीकल ने लगती नीति आवेली छे, 100% पेपर 3 का क्वेश्चन बनेगा। ओके, ई व्हीकल नी नीति पढ़ी आप लोगों ने, गुजरात सरकार आ नीति लागू करे ली छे आवनारा 4 वर्ष माटे। ओके, यू आर सपोज टू डू इट, जो गुजरात में है वो भी, जो गुजरात वाले नहीं है वो भी, हर किसी को करना है भाई, जीपीएससी हो यूपीएससी हो, यू आर सपोज टू डू इट। बिकॉज ऐसा है कि पूरे इंडिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गुजरात दे रहा है। ओके, 10,000 रुपया पर किलोवाट ना हिसाब है सब्सिडी आप रही है, ठीक है, टू व्हीलर पे
20,000 थ्री व्हीलर पे 50,000 और गाड़ियों पे 1.5 लाख तक की। ओके यस, फेम करके भी एक योजना है, बिल्कुल ओके ये सब आएगा बाय द वे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम, सब कुछ आएगा टेक्नोलॉजी और साइंस में। ओके एनीवेज, तो ये हो गया एनवायरमेंट। और किसी के दिमाग में आ रहा है एनवायरमेंट पर्यावरण ने लगता कोई ऐसे, मैनेजमेंट ऑफ स्पेस वेस्ट ठीक है, और दैट इज मोर ऑफ साइंटिफिक। हेल्थ एंड रेडिएशन नो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके और कुछ आ रहा है दिमाग में? ओके ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ओके खास करके जब भी विकास करने जाते हैं ना हम लोग, तो ट्राइब्स को रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो ट्राइबल को हटाने का कामकाज, या मान लो लैंड रिक्लेम करने की बात, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है। यस लैंड डिग्रेडेशन, ओके दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फाइन इसमें आ गया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री पे तो क्वेश्चन जनरली बनेगा, ऐसे आने के चांसेस नहीं है, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह वगैरह। ओके बाबुल बता रहे स्मॉल कंट्री आइलैंड सबमर्जिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, नहीं नहीं आएगा। तन्नू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई जिन जिनको अभी तक पता नहीं है उनको बता दो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं ये आपको लर्न बाय हार्ट करके रखने, हर ऐसे में कहीं ना कहीं, हर आंसर में कहीं ना कहीं ये यूज हो सकते हैं। ओके जिन जिन लोगों ने अभी तक पेपर दिए हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी लिख के बता दिया है कि भाई इसको मेमोराइज करना है। ओके एंथ्रोपोजेनेटिक क्लाइमेट चेंजेस बता रहे हैं चैतन्य, दैट इज फाइन, उसको हम लोग डाल सकते हैं उसके अंदर। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑन ग्लेशियर, ओके फाइन ठीक है, तो लो उसको यहां पर डाल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया या एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हो गए, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है इसके ऐसे आने की, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत कंटेंट है ऑलरेडी। एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हो गया, ओके एंथ्रोपोजेनिक जिनको नहीं पता कि भाई मानव अथवा तो लोको द्वारा जो पण पर्यावरण में चेंजेस थे लेला है, इनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस बोलते हैं ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वाति बता रही इफेक्ट ऑन ग्लेशियर थर्ड पोल, यस फाइन। गैलेक्सी में अग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंट आर यूजफुल और नॉट, नहीं ऐसा नहीं आएगा। डीप ओशन मिशन बता रहे हैं भारत, यस इसको है ना आप लोग ब्लू इकोनॉमी के साथ भी लिंक कर सकते हो, डीप ओशन मिशन या ब्लू इकोनॉमी जो हमने आगे इकोनॉमिक्स में डाला था, तो इसका एक पूरा अनुवेक्षण आपको माड़खू बनी रहे लूँगे, पूरा ढांचा बन रहा है ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फॉरेस्ट फायर एंड ऑल इज फाइन, वो सब डिजास्टर में आ गया ज्योति। आगे बढ़ते हैं, इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं बाबुल, तो चलो टूरिज्म एज एन ऐसे का टॉपिक मैं इधर ही लिख लेता हूँ। टूरिज्म में बहुत सारे टूरिज्म आ सकते हैं, इको टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया ठीक है, कल्चरल टूरिज्म जो कि अभी अपने सर्किट वगैरह बना रहे हैं स्वदेश दर्शन वगैरह स्कीम में, तो ये सारी चीजें आ गई। ओके तो ऐसे बहुत सारे टूरिज्म है, जिनको नहीं पता वो गुजरात की टूरिज्म की पॉलिसी पढ़ लेना ठीक है, कम से कम 15 अलग अलग प्रकार के टूरिज्म के बारे में बात की गई है। ओके वो ग्रुप में डाली भी थी, जिनके पास नहीं हो ठीक है वो मांग लेना, या कोई अगर जिसके पास है वो उसको ग्रुप में वापस डाल देना। उमा बोल रही है क्लाइमेट चेंज, ओके सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन बोल रही है स्वाति, नहीं आउट है नीपर ऐसे जनरली। ओशन हीट वेव्स नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जय बोल रहे सीएमएस गुजरात में हुआ था तो क्वेश्चन आ सकता है, सीएमएस गुजरात में हुआ था तो क्वेश्चन आएगा, ऐसे में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। प्रिया एनवायरमेंटल कंटेम्पलेशन बाय थिंकर्स, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ओके क्योंकि हमको क्या पीएचडी नहीं करना है एनवायरमेंट में भी ऐसा, बट यस एनवायरमेंट के ऐसे में आप एनवायरमेंटल थिंकर की बात कर सकते हो भाई। मान लो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंटल एक्टिविज्म की अगर बात करते हैं ठीक है, इधर एक वर्ड डाल देता हूं, बहुत चल रहा है एनवायरमेंटल एक्टिविज्म और एनवायरमेंटल एथिक्स, ओके ये बहुत चल रहा है आजकल न्यूज में, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ, तो उसमें आप डाल सकते हो कि भाई एक महिला थी रेचल कार्सन करके, जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग करके एक बुक लिखी थी कि भाई हमारे घर के बाहर जो है वो स्पैरोस चिड़िया नहीं आ रही है, सब गायब हो गई है डीडीटी के कारण, तो वहां से जो है ये यूएन वालों ने ये इश्यू को पिक किया था, तो समथिंग ऑफ दैट काइंड वो आप लिख सकते हो उसके अंदर ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओके फाइन,
बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट, कोरल रीफ एंड ऑयल स्पिल्स, नहीं ये सब छोटी छोटी चीजें हो गई। जीएम क्रॉप्स एंड द इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, ये वैसे साइंस एंड टेक में आएगा बट चलो इधर स्पेस है तो मैं ले लाऊं, ठीक है। जीएम क्रॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एनवायरमेंट, ओके। आज का ही न्यूज है जीएम रबर डेवलप किया गया है, पढ़ने में आया क्या किसी ने पढ़ा? जीएम रबर डेवलप करवा मालूच है, कहां और किसने डेवलप किया है अगर कोई बता सकता है तो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे वगैरह में क्या है, कोई बुक का कोई मतलब नहीं है, ये जो करंट में चल रहा है ना वहीं पे आएगा। तनु बोल रही है असम, नहीं हाँ ओके, मतलब डाला उधर नॉर्थ ईस्ट में, असम मेघालय में डाला गया है, बट केरला की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है रबर की, RRII, उसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। और उसके अंदर एक जो जीन है मैंगनीज SOD बोला जाता है, ठीक है, उसको और ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए बताया गया है। यस भरत बता रहे हैं HTBT कॉटन नु पण आवेलु, हाँ जी बिल्कुल ओके। गुजरात अने महाराष्ट्र ना परिपेक्ष में हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन विषय पण आवेलु, तो GM क्रॉप्स एंड एनवायरमेंट अगेन बिकम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इतना मोटा मोटा आपको एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरमेंट में यू शुड नो अबाउट ऑल द कन्वेंशंस, कन्वेंशन एटले के इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटी की गई है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, दैट यू शुड नो ओके। जितनी भी है भाई साइट्स है, CMS की बात कर रहे हैं, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी को लेकर कोई कन्वेंशन आई है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, ओके, वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, UNEP हो गई, ओके, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। कानून सारे पता होने चाहिए, कानून में भी कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये तीन एक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है, अगर आपके दिल में पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, ठीक है, आप नया नया ताजा ताजा RFO दे के आए हो, ओके, और RFO में दबा के एनवायरमेंट पढ़ के आए हो, तो अगर आप GPSC का एग्जाम दे रहे हो अभी, तो प्लीज एक एनवायरमेंट का अगर ऐसे दिख जाए तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी भरपूर नॉलेज लेकर बैठे हुए हो, तो अटेम्प्ट करना जरूरी है। बाबू बोल रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट के ऊपर कुछ आ सकता है क्या? नहीं आएगा, बट वही बोल रहा हूँ ना कि एक एनवायरमेंट का ऐसे आएगा इस बार, क्यों? क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हो गई, चिपको मूवमेंट, ओके, तो इससे रिलेटेड ऐसे आ सकता है। प्रिया बता रही है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रिया क्वेश्चंस में ज्यादा पूछा जाता है आज की तारीख में, लेकिन इकोनॉमी के बेस पे भी ऐसे आ सकता है। आई वुड नॉट से नो, बट इट इज अगेन अ वेरी क्या बोलते हैं, पुराना हो गया है टॉपिक, इट इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक, ऑब्सोलेट है थोड़ा, ओके। तो दैट इज अबाउट एनवायरमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे आने की 100% गुंजाइश है एजुकेशन, ओके, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करिए या एनीथिंग एल्स, ओके, एजुकेशन पे 100% ऐसे आने की कोशिश होगी, ठीक है। ऐसे में क्या आएगा, तो पहला तो आएगा ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब यस ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, ओके। इसके फायदे नुकसान भी पूछ सकते हैं अगर इनका मन बहल गया है GPSC वालों का, UPSC वालों का, कि चलो यार ऐसे ही शिक्षा ना क्षेत्र में शू अधोगति थी है COVID-19 ना कारण है, या क्या डाउनफॉल देखा गया है, तो बोले उस पर स्वाहा करके ऐसे लिख डालो, ठीक है। तो दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। फिर आपका जो न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी NEP, ओके, राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति जो आई थी, तो उसके ऊपर आ सकता है। नेहा पूछ बता रही है मास प्रमोशन, यस ओके, मास प्रमोशन करना सही है कि गलत, योग्य है कि नहीं, कि एक सांसद बजा ने पास करी नहीं खा, ओके, तो मास प्रमोशन के ऊपर भी आ सकता है। स्किल लर्निंग इंस्टेड ऑफ रॉट लर्निंग, बाबुल बोल रहे हैं इसका एक अलग वर्ड हम यूज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन प्रोसेस, ओके, काफी लोगों को यह शब्द पता भी होगा। अपनी जो स्कूल और कॉलेज की जो व्यवस्था है ना, उसमें कंटिन्यूअस इवेल्युएशन प्रोसेस की बात की गई है, ओके, खास करके ना ये दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, तो ये इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि भाई 10वां 12वां एग्जाम कैंसिल करवानी जगह है, आखिर प्रोसेस चेंज करी ना, तो दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर सॉल्यूशन टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ही इज करेक्ट
ठीक है, rather than cancelling it, we should, you know, move to some other form of evaluation process. ठीक है, mass promotion के साथ इसको जोड़ दीजिएगा. Evaluation process के ऊपर ऐसे आने के chances बहुत high है. ओके, इसके अलावा जो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज एजुकेशन वर्सेस इकोनॉमी डाइकोटमी. ओके, शैक्षणिक संस्थाओं ने फीस नहीं मरती, ठीक है, आने पर जेटलू बोलू पढ़े एटलू ओछू है. ओके, क्योंकि आप देखो कि पूरा जो सिस्टम है ऑनलाइन एजुकेशन का, उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को पेरेंट्स और बच्चे एजुकेशन ही नहीं समझते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है और दूसरी ओर टीचर जो है वो दबा के पीपीटी बना रहे हैं, दबा के पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है, उनका लोड जितना था उसे डबल हो गया और सामने पैसा आ नहीं रहा है, तो आप समझिए कि ये क्या स्थिति हो सकती है. मतलब भारत में खास करके सरकार हो, पेरेंट हो या बच्चे हो, क्या हमारे मानस के अंदर, दिमाग के अंदर एजुकेशन का स्थान इतना नीचे चला गया है कि हम बंद भी सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करते हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में खोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. आया समझ में? तो ये एक डाइकोटमी, इसमें से कैसे उभरोगे COVID-19 के बाद. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है. ठीक है, थोड़ा इसके साथ जुड़ के एक मुद्दा आ रहा है, मेंटल हेल्थ केयर. ओके, लोगो नाना नाना बाड़ा को खास कर डिप्रेशन में चला गया छे. ओके, क्योंकि एक साल डेढ़ साल से वो अपने दोस्तों को भी नहीं मिल पाए हैं. ठीक है, क्लासरूम का माहौल क्या होता है वो भूल गए हैं, ग्राउंड पे खेलना कूदना भूल गए हैं. ठीक है, और एजुकेशन तो माशाल्लाह चल रहा है. ओके, अधूरा में पूरु एग्जाम पर लेवा में नहीं आ रही, तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हो गई होगी. ठीक है, तो मानसिक स्थिति बहुत खराब है, मानसिक स्थिति के ऊपर अपने आप में एक ऐसे बन सकता है. ठीक है, बाबुल बोल रहे हैं कार्टेलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कार्टेलाइजेशन अच्छा वर्ड नहीं होगा, बट यही वर्ड आप यूज करो तो ज्यादा बेटर है, एजुकेशन वर्सेस इकोनॉमी डाइकोटोमी. के भाई एक बाजू लोग परिवारों ने नाना साफ थी गया है तो ये लोगों पास आपको माटे पैसा नहीं, और दूसरी तरफ सर्वाइवल का प्रश्न बन चुका है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का. और एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे ऐसे पूछे जाए ना, इसमें बहुत बैलेंस व्यू रखना. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लगते हैं कि यार टीचर लोग तो हमको निचोड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से मत डाल देना. ठीक है, वरना जो चेकर है बैठा हुआ है वो भी टीचर ही है, वो आपको निचोड़ लेगा मार्क्स में उधर. ठीक है, और अगर आप उस हिसाब से डालो कि नहीं सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सही ही कर रहे हैं, ठीक है, जितना पैसा है सही ही ले रहा है, तो वो भी गलत है. क्योंकि बहुत सारी एमिनिटीज जिसका यूज नहीं हुआ है, भाई बस सर्विस का यूज नहीं किया गया है. ठीक है, तो ऐसी चीजें कटनी चाहिए, ऑब्वियस बात है. ओके, तो यू आर सपोज टू यू नो कीप अ बैलेंस इन योर व्यू. भावनाओं में बह मत जाना एजुकेशन के अंदर. ठीक है, चैतन्य बोल रहे हैं सर दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड एजुकेशन पॉलिसीज एंड इश्यूज रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन एसए. यस, बट चैतन्य इट माइट ऑल्सो बी रिपीटेड इन अदर एग्जाम्स इन सम अदर फॉर्म. आया समझ में? एक वस्तु घनी बार रिपीट भी थती हो, लाइक यूपीएससी में पण एनवायरमेंट में अर्बन फ्लडिंग नो क्वेश्चन चार बार रिपीट कर लो दरेक पेपर नी अंदर. ओके, तो रिपीटिशन भी हो सकता है, तो हम लोग क्या एटलीस्ट एक बार प्रिपेयर करके चले. नेहा बता रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया HECI. ठीक है, फाइन, मतलब मेडिकल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. ओके, दैट इज मोर ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके फाइन, चले, तो दैट इज अबाउट एजुकेशन. ओके, एजुकेशन के अंदर आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को इनोवेटिव या क्रिएटिव चीजों के एग्जाम्पल होने चाहिए कि भाई फलाना ढिमका राज्य ना अंदर सरकार आ प्रकार की कोई स्कीम चालू कर ली है एजुकेशन में, या किसी ने, किसी टीचर ने इस प्रकार से कोई बैच चालू किया है. ठीक है, या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करके कुछ चीज की गई है. तो सच इनोवेटिव आइडियाज, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल ऐसे आप तैयार करके रखिए कि कहीं कुछ खोपचे में कहीं पे इनोवेटिव एजुकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे वो 3 इडियट्स में रेंचो वाला केस जो था, तो समथिंग ऑफ दैट काइंड. तो यू आर सपोज टू कीप एन आई ऑन दिस. ओके, बाबुल और जय बता रहे हैं यस आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी. ठीक है, बाबा रामदेव और IMA इनके बीच जो मारामारी हो रखी है. ठीक है, अभी तो शांति हो गई क्योंकि बाबा रामदेव का दिन आ गया था कल 2 दिन पहले.
तो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, अगेन आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? दोनों की जरूरत है भाई, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, उस हिसाब से आया समझ में? तो हमेशा बैलेंस करके ही रखना, एजुकेशन इकोनॉमी हैंड इन हैंड जवी जोई है, ठीक है? विकास का काम एक तरफ गरीबों के लिए, और विकास का काम इन द फॉर्म ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च, दोनों के बीच बैलेंस, तो बैलेंस बना के रखिएगा। चलिए, दैट इज अबाउट एजुकेशन। इसके अलावा और कुछ मुद्दों में सोशियो कल्चरल ऐसे आते हैं, ओके? सोशियो कल्चरल ऐसे मतलब एक डाइवर्स कल्चर भी ऊपर पूछ ली दो है, इसकी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो रखी है, मतलब इट इज नॉट मच, बट ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, फेस्टिवल, रिलीजन, एथनिक क्राइसिस, ओके, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रोहिंग्या वगैरह का इश्यू चल रहा है, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उस टाइप का कुछ ऐसे आ सकता है, या कम्यूनल वायलेंस के ऊपर आ सकता है, ओके? गुजरात में जनरली क्या कम्यूनल वायलेंस पे नहीं पूछेंगे ऐसे, कारण के 2002 नहीं घटना लोगों ना मगज मच है, तो गवर्नमेंट वुड नॉट वॉन्ट टू बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल देयर, ठीक है? तो कम्युनल वायलेंस, बट यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि ये जो तीन स्टूडेंट्स थे इनको किस लिए अंदर किया गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर इन लोगों ने रायट्स के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है ऐसा सरकार का मानना था, तो कम्युनल वायलेंस के ऊपर, रायट्स के ऊपर, एथनिक टेंशन के ऊपर, जेनोसाइड के ऊपर, ओके, या मॉब लिंचिंग हो गया, ऐसी कुछ चीजों को जोड़कर एक ऐसे बन सकता है सोशियो कल्चरल इश्यूज के अंदर, ओके? चैतन्य बता रहे हैं जेनोफोबिया, यस, रेसिज्म भी बोल सकते हो, जेनोफोबिया भी बोल सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, बहुत ओछा क्वेश्चंस पूछा जाए कि ऐसे पूछा जाए, बट अगर आ जाता है तो हैंडल विथ केयर, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ कंटेंट, सोशियो कल्चरल ऐसे में इतना कंटेंट नहीं होता हमारे पास, और हमारा सोच जो है ना वो मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है? दैट इज अबाउट सोशियो कल्चरल। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ऐसे अकेला कभी नहीं पूछा जाता कि भाई अर्थशास्त्र विषय करो, कि प्राचीन भारत में शू हतु, एना विषय बात करो, कभी नहीं आएगा, ओके? या तो फिलोसॉफी के साथ जुड़ के आएगा, या एजुकेशन के साथ जुड़ के आएगा, या पॉलिटी के साथ जुड़ के आएगा, ठीक है? हिस्टोरिकल ऐसे होता है, बट इट इज कंबाइंड विथ अदर थिंग्स, ओके? आजकल बहुत हवा चल रही है अपने क्या बोलते हैं, जो बुक्स हैं अपने एनसीईआरटी की, जो टेक्स्ट बुक हैं उनको रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, रिवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ओके? आरएसएस और ये सारे लोग अभी एकदम वापस एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा हिस्टोरिकल आस्पेक्ट हो जाता है। इसके अलावा राम मंदिर हो गया, तो राम मंदिर के अंदर बहुत बड़ा कुछ घोटाला हो गया है, ऐसी बातें चल रही है भाई, जमीन ना मामला, 2 करोड़ नहीं जमीन 18 करोड़ मान लेवा मारी, ठीक है? तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, बट यू नेवर नो, ठीक है? इसका कुछ मिलीभगत करके कहीं से पूछ ले। या सरस्वती नदी जो है अपनी, इसको खोजने के लिए हम लोग एकदम लगे हुए हैं, ओके? गुजरात वाले खास करके लगे हुए हैं, और जो इंडिया का ICHR वगैरह होता है हिस्टोरिकल रिलेशंस और ये सब के लिए, और ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सबको लगा रखा है ये सारी चीजों के लिए, ओके? या आपको कुछ बुद्धिज्म वगैरह या हरप्पन टाइम की बातें क्लब करके, कंबाइन करके पूछी जा सकती है, ठीक है? बट इससे बाहर कभी हिस्टोरिकल ऐसे नहीं आएगा, ओके? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से, फिलोसॉफिकल ऐसे, ठीक है? इसमें जो है तोते उड़ जाते हैं लोगों के, ओके? फिलोसॉफिकल ऐसेज आर द मोस्ट डिफिकल्ट ऐसेज टू राइट, जहां तक हो सके इसको ऑप्शन में निकाल दो, ओके? जीपीएससी में ऑप्शन में निकली सके जाए, यूपीएससी जो है वो बहुत चालाक है, ठीक है? 8 ऐसे पूछते हैं, चार चार देते हैं सेक्शन है, सेक्शन बी में, एक पूरे सेक्शन में चारों के चारों फिलोसॉफिकल डाल देंगे, ठीक है? कि जाओगे किधर तुम, ओके? बट दूसरे सेक्शन में ऐसा है कि दूसरे सेक्शन में आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो यूपीएससी में एटलीस्ट एक ऐसे अब तो फिलोसॉफिकल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? जीपीएससी में फिलोसॉफिकल ऐसे निकल जाता है ऑप्शन के अंदर, ओके? बट फिलोसॉफिकल ऐसे में क्या होता है? तो फिलोसॉफिकल ऐसे में कुछ नहीं भाई, कोट होते हैं, मेजर चीज है कोट्स, ठीक है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ओके? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोट डाल दिया। अब कोट का एक डिसएडवांटेज यह है कि कोट से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
अगर मैं बोलता भाई सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में लिखना है, तो भाई इंफॉर्मेशन मिलता है सेंटर स्टेट पॉलिटी, ओके जीएसटी टैक्सेशन, ओके अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्या लिखोगे इसके अंदर? मतलब जॉय पे भी लिख नहीं सकते, ब्यूटी पे भी लिख नहीं सकते, ठीक है, कीवर्ड्स दो ही है ब्यूटी और जॉय, बट लिखोगे क्या इसके आसपास? तो एक ध्यान रखना एक चीज, जब भी फिलोसॉफिकल ऐसे लिखते हैं ना, फिलोसॉफिकल ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पूरा ऐसे मस्त निकाल लेगी, दैट इज योर स्टोरीज। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट स्टोरीज टू राइट इन द कोट, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ओके एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इधर कि भाई केवी स्टोरीज हो भी चाहिए, एग्जाम्पल कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर की अगर बात की गई है, तो उल्टा सोचो, ठीक है, ब्यूटी का ऑपोजिट करके सोचो। हम कई बार इस हिसाब से सोचते हैं कि और क्या हो सकता है, तो ब्यूटी का ऑपोजिट भाई क्या याद आता है? तो मुझे एकदम रैंडमली छपाक मूवी याद आ गई, ठीक है, एसिड अटैक याद आ गया। ओके क्योंकि ब्यूटी से हम लोग क्या देखते हैं भाई, ब्यूटी मतलब फिजिकल ब्यूटी सबसे पहले ध्यान आती है, ठीक है, मन नहीं ब्यूटी एंड ऑल दैट वो सब बाद में आता है, फिजिकल ब्यूटी। तो एसिड अटैक, तो एक स्टोरी जो है मैं इसके इर्द गिर्द पूरा लिख सकता हूं, ये एक स्टोरी बनती है मेरी, ठीक है, एसिड अटैक के ऊपर, उसके विक्टिम के ऊपर, ठीक है, कोई एनजीओ उसके साथ रिलेटेड है तो उसके ऊपर मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, कि ब्यूटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ओके वो जो होती है मेंटल लेवल पे भी होती है। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अपने देश में ब्यूटीफुल चीजें क्या है, तो ब्यूटीफुल चीजों में आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी बहुत सारे हैं। ओके पहला तुम लोगों को सबको याद वही आएगा भाई, ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल के इर्द गिर्द स्टोरी को घुमाओ। ओके ताजमहल से कहां पे पहुंचे शाहजहां, शाहजहां से कहां पे पहुंचे बोले मुगल रूल, आया समझ में? तो एक पूरा डायमेंशन इसके आजू बाजू घुमाना है हमको, ठीक है, दैट इज हाउ यू अप्रोच द कोट्स, आ रहा है समझ में? और सोचो ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, तो ब्यूटी से और क्या क्या चीजें आ रही है दिमाग में, तुरंत क्या चीज आ रही है ब्यूटी को लेकर या जॉय को लेकर क्या चीजें आ रही है, ठीक है, तो एक तो एंगल इसमें पकड़ सकते हो आप स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एंगल्स। अब स्पिरिचुअलिटी में जिसका ज्ञानवान है तो वो बढ़िया से अंदर बात कर सकता है, भाई वैदिक चीजों की बात करो, ठीक है, अगर टैलेंट है ज्यादा तो तंत्र प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात करो, ओके इफ यू हैव दैट नॉलेज अबाउट इट तो इसकी भी बात करो, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह की बात करो, ओके अगर ये भी नहीं, अगर और तुमको जाना है, तुमको और डेप्थ है तो उपनिषदिक ट्रेडिशंस के बारे में बात करो, ठीक है, तो ये एक अलग एंगल पकड़ा है हमने। और ब्यूटी में क्या आएगा, तो क्या बोल रहे हो जय बोल रहे हैं, हाँ रेसिज्म बोल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, अमेरिका याद आ गया हमको, ब्लैक एंड व्हाइट याद आ गया, ठीक है, इधर हम लोग इंटरनेशनली चले गए, ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये याद आ गया, रेसिज्म याद आ गया, ठीक है, तो आप देखो अब अगर ओवरऑल आप देखो तो क्या क्या डायमेंशन पकड़ा आपने, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का डायमेंशन पकड़ा जो हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, ओके क्यों, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट अगर हम बात करें तो सिर्फ यूएस नहीं, इसके लिए तो भाई हमको फिर साउथ अफ्रीका भी याद आएगा, नेल्सन मंडेला भी याद आएगा, ओके इसके अलावा हमको मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी याद आएंगे, आ रहा है समझ में? तो ये पूरा एक डायमेंशन पकड़ा, स्पिरिचुअलिटी अगेन फिलोसॉफिकल में फिलोसॉफिकल डालना, ठीक है, एक प्योरली हिस्टोरिकल प्लस एस्थेटिक्स वाला आइटम पकड़ा, एक करंट अफेयर्स में से उठाया चीजें, ओके बाबुल बोल रहे हैं पेंटिंग, फाइन पेंटिंग आर्किटेक्चर ये सब एक साथ डाल सकते हैं। नेहा बता रही है 16 संस्कार, 16 संस्कार का ब्यूटी और जॉय के साथ क्या लिंक है? चलो 16 संस्कार से एक और चीज मेरे को याद है, एक एंगल पकड़ो चाइल्ड बर्थ को लेकर, ठीक है, इसका एक एंगल पकड़ सकते हो, ओके बाबुल स्पोर्ट्स की बात करें भाई, स्पोर्ट्स में ब्यूटी जॉय क्या किस कैसे एंगल पकड़ा है, ठीक है, अभी देखो तुम लोग जो टॉपिक लिख रहे हो आपके पास हो सकता है वो टॉपिक, आई वुड नॉट से अ नो, हाँ जी ओके गुड, हिस्टोरिकल मोमेंट लाइक विनिंग 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बहुत बढ़िया, ठीक है गुड। मितेश बता रहे हैं एनवायरमेंटल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, भाई एनवायरमेंटल ब्यूटी पूरा अलग डायमेंशन खींच डालो, क्या डालोगे इसमें, कोरल रीफ्स के बारे में,
ठीक है, कि बहुत ब्यूटीफुल दिखता है कोरल रीफ, और कहीं पर आपने विजिट विजिट लिया हो, ठीक है, कभी सुंदरवन जाके आए हो, कभी बहुत पैसा आ गया है तो अमेजोन जाके आए हो, ठीक है, तो ये सारे के बारे में बात करो, एनवायरमेंट में क्या ब्यूटी है, ठीक है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करिए निधि, ओके गुड, तो आप समझ रहे हो, ये आप फिलोसॉफिकल ऐसे का एडवांटेज मैंने बताया आपको कि इस ऐसे के अंदर द ओनली थिंग दैट यू नीड, ठीक है, इज एबिलिटी टू कनेक्ट एनी इवेंट विद द टॉपिक, आया समझ में, और सबसे बेस्ट चीज इसमें यह है कि आप हर चीज को इसमें डाल सकते हो, इसमें ना हिस्ट्री की बंदिश है, ना पॉलिटी की बंदिश है, ना आईआर की बंदिश है, ना कोई और चीज की, आया समझ में, तो दिस इज हाउ यू गो फॉर अ कोट, ठीक है, एक और कोट ले लेते हैं क्योंकि क्या लोगों को फिलोसॉफिकल में बहुत दिक्कत होती है, एक और कोट लेते हैं, चलो होपफुल ये सब आपने लिख लिया होगा, एक और कोट पकड़ते हैं, क्या कोट पकड़े, ठीक है, कोई है भाई, एकदम बाबुल बता रहे फैमिली रिलेशनशिप के बारे में भी कोट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके ठीक है, स्वाति ने योग के बारे में बात किया है, ठीक है, योग आयुष मंत्रालय ये सब के बारे में आ सकते हैं, ठीक है, कोई बढ़िया कोट हो तो बोलो, तो अपने उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुजराती माँ कोई हो तो गुजराती माए बोली सकाय, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें क्या क्या चीज आ सकती है, अगर कहीं से कोई कोट आपके दिमाग में आया है कि हाँ हम शू लिख सकाय और क्या लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अपने चर्चा कर लेते हैं क्या लिख सकते हैं, मेन तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हो जाएगा, एक बार आप सोचना चालू करोगे ना, एन आई फॉर एन आई वुड मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, बेकार कोट है, मतलब इसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, उसको छोड़ो, ये थोड़ा क्या पॉलिटिकल साइड पे आ गया, कैपिटल पनिशमेंट और बहुत सारी चीजें मैं इसमें लिख सकता हूँ, कोई ऐसा कोट निकालो खोद के जिसमें आपको लगता है कि यू आर कंप्लीटली क्लूलेस, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, ठीक है, दिव्यकांत एक लेकर आए हैं, इट इज फॉली, देखो ये कोट है, ओके, अभी दो मिनट आप लोग सोचना और आप मेरे को बताना इसमें क्या लिख सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़े एग्जांपल बताऊंगा, इट इज फॉली टू बी वाइज वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है, ये कोट है, एक पुष्पराज भी दिए हैं, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रांक्विल सेल्फ, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसमें भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोट पहले वाला ये देखो, इसमें अगर कुछ बोल सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो, चिराग बता रहे ऑल दैट ग्लिटर्स ऑल गोल्ड इज नॉट ग्लिटर, वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अगेन वेरी वेरी इजी, वो थिंग ऑफ ब्यूटी वाला ही है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भाई जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि भाई सोना है, मतलब नॉट एवरीथिंग दैट इज विजुअली अट्रैक्टिव इज गुड इन कैरेक्टर और नेचर, ओके, मितेश बोल रहे लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल, दिस इज वेरी इजी, ये इकोनॉमी में हो गया, सब्सिडी देने से बेटर है, ठीक है, कि किसी को खड़ा करो, ओके, तो दैट इज अ वेरी इजी कोट, बाबुल बोल रहे फर्स्ट कोट में मेंटल हेल्थ वाला यूज कर सकते हैं, चलो बाबुल इसमें इट इज फॉली टू बी वाइज में मेंटल हेल्थ की बात करके आए हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ का आइडिया इसमें कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो वो तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, नया बता रही है हु बीइंग लव्ड इज पुअर, ऑस्कर वाइल्ड का कोट है हु बीइंग लव्ड इज पुअर, ठीक है नया, उस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आप ट्राई करो इसके ऊपर एक बार, ठीक है, आप इस पर कुछ लिख सकते हो कि नहीं, कुछ स्टोरीज बना सकते हो कि नहीं, ओके, जनरली एक बात बता दूं कि ऐसे वो जो क्या बोलते हैं घुमा फिराने वाले पोएटिक कोट्स होते हैं ना, वो भी डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बोलो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गद्य बोलते हैं ना हम लोग प्रोज, उससे रिलेटेड वो लोग कोट्स पूछते हैं, पोएटिक वाला नहीं आएगा, जनरली इतना नहीं आता है, ठीक है, और ऐसा मुड़कियों वाला नहीं आता है, जय बोल रहे हैं प्लेटो सोक्रेटिस इग्नोरेंस, ठीक है, इसके ऊपर नया डायमेंशन पकड़ा है, प्लेटो ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में लिखेंगे, ओके फाइन, ठीक है, और कोई थोड़ा और डायमेंशन खोलो, दिमाग के पर्दे खोलो, एलेगोरी ऑफ केव, ठीक है, हर जगह एलेगोरी ऑफ केव, चलो ठीक है, यूज इट, व्रजेश बता रहे डू जेनेटिक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू वंस बिहेवियर, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, साइंटिफिकली पूरा चीज है, ठीक है, वेरी इजी, जेनेटिक्स में पूरा आपको जीन वाइज लिखना है, ओके, और ये जो एक 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 कोड निकाल निकाल के नालायक हो तुम लोग, लिखो तो ऐसे कम से कम, तुम लोग ट्राई नहीं करोगे फिर आप हवा में सोचते जाओगे, पेन तो उठाओ कम से कम,
चलो इस पे लिखो फटाफट ये कोट के ऊपर, इट इज फॉली टू बी वाइज वेर इग्नोरेंस इज ब्लिस. फॉली टू बी वाइज मतलब मूर्खता है, फॉली मतलब फुलिशनेस, टू बी वाइज मतलब जहां पर अनजान रहना बेहतर है, ठीक है, वहां पर जान के बुद्धिमानी का प्रदर्शन मत करो, ऐसा. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतना क्या गोल गोल घूमते रहते हो. कोविड 19 की बात कर लो या कोई भी डिजीज की बात कर लो, ठीक है, डॉक्टर कभी डायरेक्टली नहीं बोलता है कि अरे आपको कैंसर है, ठीक है, तो वहां पर टू सम एक्सटेंट इग्नोरेंस इज ब्लिस. ठीक है, तो ये एक एंगल आप पकड़ सकते हो. बाबुल बता रहे गुड गवर्नेंस एंड इमोशनल कोशेंट, यस ओके. यश बता रहे सुपरस्टिशन के बारे में, ओके. यस, सुपरस्टिशन के बारे में भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप डरपोक हो, ओके, बहुत बढ़िया एंगल पकड़ा है, तो जितना सुपरस्टिशंस और ये सारी चीजों से दूर रहो उतना ही बेटर है. ठीक है, या इसका अलग एंगल भी हम लोग पकड़ सकते हैं रिचुअल्स के मामले में कि भाई हर रिचुअल्स को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आस्था करके भी कोई चीज होती है. ठीक है, दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट क्वेश्चन द रिचुअल्स और द इवल प्रैक्टिसेस. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. बाबुल बता रहे सब्सटेंस अब्यूज, नहीं भी डाल सकते, नहीं डलेगा, मतलब नहीं जम नहीं रहा है. ठीक है, इससे बेटर जो बच्चे लोग हैं वो इंटरनेट का जो यूज करके पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजों में घुसे रहते हैं. ठीक है, इसका भी एक एंगल आप पकड़ सकते हो यहां पर. ठीक है, तो यहां पर इग्नोरेंस, कुछ चीजें ना ही पता हो तो ज्यादा बेटर है. ओके, कई बार आप इसको फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बोल सकते हो कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया इट इज अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो इसमें जनरली जो है वो जो करता धरता होता है फैमिली का, उसी को सारा चीज पता होता है. तो उसमें अगर आप बाकी लोग ना पढ़ो तो भी इट इज बेटर. ठीक है, कि कई बार ऐसा है कि ज्यादा चीजों में घुस के फोकट का टेंशन लेने का क्या मतलब है. ओके, तो दैट इज अगेन द एंगल एंड एग्जाम्पल जो आप पकड़ सकते हो. ओके, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जय फाइन, उसको भी डाल सकते हैं. बाबुल बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो उसको सब्सटेंस अब्यूज नहीं बोलते हैं भाई. ठीक है, ड्रग्स और ये सब जो चीजें हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो. एनीवेज, तो कुछ एग्जांपल है, आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो. तो आप लोग अगर हो सके ना तो एक फिलोसॉफिकल ऐसे लिखने की ट्राई करिएगा. ठीक है, कल की क्लास में अगर आपने किसी ने लिखा होगा ना तो उसका हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कि भाई कहां पर क्या इशू आ रहा है क्या नहीं. ठीक है, तो दैट इज अबाउट फिलोसॉफिकल अप्रोच टू ऐसे. अब इसके अलावा देखो इंटरनेशनल रिलेशंस का अप्रोच है. आईआर में कोई भी चीज के ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, भाई इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया नेबर रिलेशंस, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आईआर का मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं. आईआर हैज मतलब हर एक कंट्री के बारे में आपका आईआर के लिए पता होना चाहिए. ओके, खास करके इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, मतलब इसमें देयर इज नो एंड टू एसेस. ओके, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. जियोपॉलिटिक्स की बात करें, यस, जियोपॉलिटिक्स हो गया या ओशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है. ओशन बेस्ड पॉलिटिक्स मतलब जो अभी साउथ चाइना सी में लफड़ा चल रहा है या इंडियन ओशन में बात चल रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ये सारी चीजों की, उस पर आ सकता है. ठीक है, सॉफ्ट पावर के ऊपर भी आ सकता है. ओके, बहुत बढ़िया. बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर भी आ सकता है, बिल्कुल. ठीक है, बहुत सारी और चीजें हैं भाई, यूएसए चाइना सुपर पावर बनने के लिए जो इधर उधर कर रहे हैं उस पे आ सकता है. नेहा बता रही है मल्टीलैटरलिज्म, यस वेरी गुड, मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षीयता. ओके, तो इस पे भी आ सकता है मल्टीलैटरलिज्म पे. ट्रेड रिलेटेड भी आ सकता है, बिल्कुल. ट्रेड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें WTO की बात कर सकते हो, बैंक्स की बात कर सकते हो, वगैरह वगैरह. ओके, वैक्सीन के ऊपर, यस, वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन हेजिटेंसी, ये सब जो मुद्दे हैं इसके ऊपर भी आ सकता है. वैक्सीन नेशनलिज्म इज अ वेरी बिग टॉपिक, इस पे आने के चांसेस है. ग्लोबल हेल्थ
कॉरपोरेशन, उससे बेटर है हम लोग ये टॉपिक करें। एक नया टॉपिक आया है वन हेल्थ करके, जिनको नहीं पता कि भाई लोग, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, ये सब क्या है, हेल्थ के मामले में जुड़े हुए हैं। तो ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया हुआ है मार्केट में, जिनको नहीं पता वो प्लीज इसके ऊपर कुछ नोट्स बना के रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। चैतन्य बता रहे हैं ग्लोबल हेल्थ कॉर्पोरेशन, ओके, कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, यस। ग्रेट गेम नहीं पूछा जाएगा बाबुल, वो सब पुरानी चीज हो गई है, ठीक है। कूप वूप के बारे में नहीं पूछा जाता है, कहाँ क्या कू हो गया, नथिंग, ये सब नहीं पूछते हैं, ठीक है। इतने इतने डिटेलिंग में नहीं जाते, मोटा मोटा ब्रॉड ओवरव्यू जिसमें मिल सकता है ना उसका पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल सार्क के बारे में, साउथ एशियन सोसाइटीज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, सार्क हो गया, आरसीपी वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, यस, ठीक है। वैक्सीन नेशनलिज्म आ गया, ओके। नैम के बारे में पूछ सकते हैं, यस, गुड। नैम करके एक संस्था है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वो चाइना के साथ हम लोग आ गए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, न्यू अलायंस, ओके। डेटा डिप्लोमेसी, वेरी गुड, डेटा के ऊपर पूछा जा सकता है, साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मर्ज करके डेटा डिप्लोमेसी। वर्ल्ड पीस, नहीं, वर्ल्ड पीस बहुत क्या बोलते हैं, अगेन ऑब्सोलेट टॉपिक है। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा એટલે કે ભાઈ ભારતની બહાર જે આપણા NRI લોકોને બધા વસે છે તેમની ભારતની ઉપર સી અસર પડે છે તો ઉસકે ઉપર પૂછ સકતે હૈ ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા એન્ડ ઇટ્સ ડિપ્લોમસી યા કલ્ચરલ ડિપ્લોમસી ભી બોલ સકતે હો તો યે કુછ ટોપિક્સ હૈ જિસકે બેસિસ પે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ બેસ્ડ એસે આ સકતા હૈ ઓકે જ્યોતિ બતા રહી હૈ ક્વોડ કરકે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન હૈ ક્વોડ્રિલેટરલ સિક્યોરિટી ડાયલોગ યસ ધેટ કેન કમ माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी यस वो हमने डिस्कस भी किया था ओके माइग्रेशन रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ओके एक कोहरेंट पॉलिसी नहीं है हमारे पास तो वो आ सकता है क्वाड क्योंकि आप लोगों ने बोला था तो क्वाड और इंडिया का जो झोंक है यूएसए की ओर ठीक है उसके रिलेशन के टर्म्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स ऑफ IR मतलब यू शुड नो एवरीथिंग रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कंट्री जो न्यूज में चल रहा है नेबर्स होगा ये सारी चीजें ठीक है दैट इज अबाउट IR और लास्ट आ जाता है आपका साइंस बेस्ड ऐसे ओके इसके अलावा कोई चीज नहीं आती है तो आपको ये देखना है कि भाई अपना हिस्ट्री स्ट्रांग है अपना ज्योग्राफी एनवायरमेंट स्ट्रांग है अपना पॉलिटी स्ट्रांग है IR स्ट्रांग है या साइंस एंड टेक स्ट्रांग है फिलोसफी स्ट्रांग है ऐसा 7 से 8 मेजर टॉपिक्स में से आपको देखना है ठीक है साइंस में एनीथिंग अंडर द सन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो करेंसी ठीक है ये सारी चीजें आती हैं इसमें ठीक है आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सारी चीजें भी चल रही हैं ठीक है IoT बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया ओके OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल आ सकता है ओवर द टॉप सर्विसेज ठीक है इसमें पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी डिबेट ये बहुत चल रहा है ठीक है ट्विटर जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही है ठीक है तो ट्विटर ने जो बवाल कर रखी है दैट इज प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी डिबेट सरकार बोल रही है भाई सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ट्विटर बोल रहे हैं कि भाई हमारा अपना ही पॉलिसी है ओके तो ये एक अलग एंगल बन रहा है ठीक है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा पॉसिबिलिटी है नॉन स्टेट एक्टर्स ओके MNCs को हम लोग जनरली नॉन स्टेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं ये MNC जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं वर्ल्ड वाइड हावी तो नहीं हो रही है ओके ये इसमें भी पड़ सकता है ठीक है साइंस एंड टेक पॉलिटी दोनों में आएगा बाबुल कोई इशू नहीं है ट्विटर और ये सब दोनों में पकड़ के चल रहा हूं मिक्स करके ठीक है तो ये एक जो एंगल है ना नॉन स्टेट एक्टर्स का ये आप प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे फेसबुक हो गई ओके गूगल हो गई अमेज़न है एप्पल है ठीक है इसके अलावा भी कोई एकाध और कंपनी छूट रही है ठीक है तो ये जो कंपनियां हैं ना ये कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी है
कि आज वो देश की खुद की जो व्यवस्था है, कानून है, उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये एक एंगल आपको पकड़ना है कि भाई एमएनसीज और गवर्नमेंट के बीच अब टॉप लेवल पे क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट थी, ओके, फ्लिपकार्ट तो नहीं, फ्लिपकार्ट तो चिंदी है, वो तो वॉलमार्ट के अंदर आ गई है। ठीक है, मैं टेक कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक कंपनीज, तो ये वो टेक कंपनीज हो गई है। नेटफ्लिक्स तो अभी छोटी है, नेटफ्लिक्स को भी टाइम लगेगा आने में। ठीक है, दीज आर द मेजर टेक कंपनीज, नेटफ्लिक्स का इतना बवाल नहीं है, बट ये पांच जो कंपनियां हैं जिनके जो कर्ता धरता है, ठीक है, जो सब डाइवोर्स ले रहे हैं, तो ये सारों का जो है इनका कंपनी बहुत पैसा कमा लिए है, तो ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं पॉलिसी को लेकर। ठीक है, पॉलिसी ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है। ओके, इसके अलावा बाकी लोग आप बोल रहे हो स्पेस साइंसेस एंड ऑल इज फाइन, चलो वो तो ठीक है, साइबर सिक्योरिटी स्पेस साइंस लोग इसको लिख लिया, दीज आर अगेन वेरी कॉमन टॉपिक्स आ सकती हैं। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी पे नहीं पूछेंगे प्रिया, क्योंकि उसके क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर थ्री के अंदर, क्वेश्चन आते हैं जनरली, ये टॉपिक में पूछते नहीं है, स्पेस रिलेटेड ऐसे आ सकता है। ठीक है, बट थोड़ा है ना, अभी थोड़ा घुमा फिरा के सोचने का कोशिश करना कि भाई ये डेटा, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, नॉन स्टेट एक्टर्स, ओके, एफडीआई वगैरह, जैसे अभी एक मुद्दा उठा था कि अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 600 बिलियन डॉलर पार कर गया है। ठीक है, और अपने यहां पर अब तक की सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो हमको ये पता चलता है कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है उसका 80% प्लस चंक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आया है, और उसमें भी रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज जो मेजर लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनीज है, इन्हीं के अंदर निवेश आया है। ठीक है, तो काय को हम लोग इतना उछल रहे हैं, तो ये सारे एंगल को भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई एमएनसीज पैसे के माध्यम से, ओके, पॉलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन एन एरिया विच यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। ठीक है, तो दैट इज अबाउट साइंस। तो इतना पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, 99% केस में इन्हीं में से ऐसे बनेगा। ठीक है, बाहर से ऐसे बनने के चांसेस नहीं है। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, दीज आर ऑल न्यू टेक्नोलॉजी, लो लिख लो, 99% केस में नहीं बनेगा इस पे कुछ। ओके, ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स उसमें आ जाता है, वो डीप ओशन मिशन वगैरह के अंदर, तो अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्या लिखोगे दिग्विजय, लिख लिख के तुमको क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम क्या है वो बताओगे। ठीक है, क्यूबिट्स के बारे में बताओगे, तीन फिनोमिना के बारे में बताओगे, सुपर इम्पोजिशन और ये सब, फिर दो पन्ने में, मतलब तुम आंसर नहीं लिख पाओगे, तो तुम इसमें क्या ऐसे का कंटेंट करोगे। ठीक है, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। तो दैट इज ऑल फॉर द टॉपिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मेरे को बतानी है आपको कि क्या क्या करना है, उसके बाद है ना हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा है वो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कैसे हम लिखते हैं। अब आईआर है, ठीक है, ये उसका नॉलेज इसमें चाहिए बताया हुआ। इसके अलावा देखो एक डायरी कोर्ट के लिए, अभी जो एग्जाम देने वाले उसके लिए तो अभी बहुत देर हो चुकी है, जीपीएससी का भी देने वाला है, बट जो नए नए एकदम आए हुए हैं भट्टी में से निकल गए, एक डायरी बना दो, छोटा सा डायरी रखने का, जहां पर भी कुछ अच्छा मिल जाए ना उसको डाल देने का डायरी में, कोई भी बढ़िया कोट। ठीक है, मल्टीपल न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़नी रहेगी, अभी जो नया नया आया है भाई अभी एक न्यूज़पेपर से चलाओ। ठीक है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना। ओके, नॉवेल पढ़िए भाई, जो नॉवेल पढ़ने का शौकीन है, खास करके गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ओके, कोई भी नॉवेल पढ़िए आप बढ़िया से। ओके, नॉवेल में क्या आपको कहानियां मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी वाले हो तो प्रेमचंद की कहानियां, ठीक है, एकदम उम्दा कहानियां है उसके अंदर, तो वो आप पढ़ सकते हो, उसमें से चार पांच भी कहीं ना कहीं टपक जाएगी ऐसा। ठीक है, गुजराती है, ओके, तो प्रेमानंद थई गया, ओके, उमाशंकर जोशी हो गए, जवेरचंद मेघाणी, तो आ बदानी अगेन वस्तु पकड़ी सको भाई, सौराष्ट्रनी रसदार विषय कहीं माचू। ओके, तो गामठी भाषा के ए रीतनी तड़पदी भाषा नहीं पढ़ स्टोरीज तमें यूज करी सको। ओके, इंग्लिश हो गए, तो इंग्लिश के अंदर जो नॉवल पढ़ो ना वो नॉन फिक्शन नॉवल पढ़ना भाई, डोंट गो फॉर साइंस फिक्शन या फिक्शन नॉवल, गो फॉर नॉन फिक्शन। ओके, वो एगथा क्रिस्टी, सिडनी सेल्डन, वो सब नहीं पढ़ने का। ओके, कि भाई पहली डिटेक्टिव स्टोरी, ओके, उसमें कुछ नहीं होता है,
ठीक है, ना ढंग के डिटेक्टिव बन पाते हो, ना कभी जिंदगी में कुछ काम लगता है, वो सब नहीं पढ़ो। पढ़नी हो तो बढ़िया बढ़िया सी एकदम नॉन फिक्शन वाली चीजें पढ़ो, ठीक है, और ब्लॉग लिखो, ठीक है, किसी का अगर किसी को अगर है इंटरेस्ट, खुद के लिए ब्लॉग लिखो, ठीक है। अपने कुछ स्टूडेंट लोगों ने ब्लॉग चालू किया है, ओके, जो आता है वो लिखो, ठीक है, लोग देखते हैं तो ठीक है, लोग नहीं देखते ठीक है, अपने लिए लिखो, राइट ब्लॉग्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको पब्लिश करो, ठीक है, खुद तक भी रखना हो तो रखो, बट जस्ट राइट समथिंग, ओके। अगर मान लीजिए आपका कोई दिन है, कई बार मैं ये भी बोलता हूँ भाई, खुद के लिए डायरी रखो, आपका पूरा दिन किस कैसा गया है, रात को 10-15 मिनट करके लिखने का प्रैक्टिस लगो, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा टिप्स नए स्टूडेंट्स के लिए, इट मे बी हेल्पफुल, पुराने के लिए इट इज टाइम नाउ, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे का चुनाव कैसे करते हैं और ऐसे को लिखते कैसे हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका डिस्कशन करना है। अभी मैं आपको ना पहले सिर्फ ये फॉर्मेट बता रहा हूं कि कहां कितना टाइम यूज करते हैं, फिर मैंने जो एक ऐसे लिखा है वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अब देखो, जब भी आपके सामने पेपर आता है, यूपीएससी का पेपर हो कि जीपीएससी का पेपर हो, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ एसे, ओके, कौन सा ऐसे है वो तुरंत पता चल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीपीएससी में हो तो जीपीएससी में क्या आएगा, जीपीएससी के अंदर आएगा कि भाई टोटल 9 ऐसे हैं, उसमें से हर सेगमेंट में 3 ऐसे हैं, उसमें से 1 ऐसे लिखना है। तो फटाफट देख लेने का कि भाई सेक्शन में जो ऐसे छे ते कयो ऐसे छे, ओके, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, क्या है क्या नहीं, सारे ऐसे को आइडेंटिफाई कर लो, ओके, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट टू आइडेंटिफाई दी ऐसे, 1 मिनट में आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, कुछ कुछ इनमें से ऐसे होंगे ना, ये जीपीएससी का है, यूपीएससी में अलग होता है, ठीक है, ये यहां पर लिख देता हूं, दिस इज फॉर जीपीएससी, अभी यूपीएससी का देख लो, उसमें आते हैं 8 ऐसे एज ऑफ नाउ, ओके, 4 ऐसे होते हैं एक सेक्शन में और 2 सेक्शन ऐसे होते हैं, एक सेक्शन में से एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आठों को आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद एक चीज हम जनरली देखते हैं, आप लोग भी देखोगे कि जीपीएससी में है ना, ऐसे 3 ऐसे होंगे, कम से कम 3 से 4 ऐसे जिसको आप सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब उसमें सोचना ही नहीं है, आपको पहले से देख के पता चल गया है कि भाई साहब इसमें तो अपना चोंच डूबेगा ही नहीं, ठीक है, इसमें सोचने का ही नहीं, उसके बाजू में बड़ा सा क्रॉस मार देने का कि भाई आ नहीं आओगे, ओके। अगर मान लो 3 ऐसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन में एक हिस्ट्री वाला है, ठीक है, एक साइंस एंड टेक पे है और एक फिलोसॉफी है, तो जब पता है आपको कि भाई हिस्ट्री में साइंस एंड टेक आउटेज है तो फिलोसॉफी पे चौकड़ी लगा देने का, आ रहा है समझ में। एक मान लो सेगमेंट में एजुकेशन के ऊपर है, एक में इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है, ठीक है, और एक के अंदर मान लो पॉलिटी के ऊपर है, ओके, तो अब ये सेगमेंट ऐसा है कि जिसमें सोचना पड़ेगा, ओके, इसमें क्योंकि तीनों ऐसे आपको आ रहे हैं, ओके, यहां पर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ के नीचे चले जाओ लास्ट सेक्शन पे। लास्ट सेक्शन में आपको दिखेगा 2 ऐसे ऐसे मिलेंगे जो फिलोसॉफी के या ब्यूरोक्रेसी या कुछ ऐसा जोड़ तोड़ के आया है, ठीक है, एक ऐसे ऊपर वाले की दया से साइंस एंड टेक का निकल गया, तो वो जो फिलोसॉफी वाला है ना उसको प्रेम से चौकड़ी मार के निकल लेंगे। तो ऐसे 3 से 4 तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू कि भाई एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करके फिर मान लो तुम्हारे, ठीक है, एक दो सेक्शन में, एक सेक्शन या दो सेक्शन में ऐसा रहेगा कि आपको पता चल गया कि भाई अपने को यही ऐसे लिखना है, ठीक है, हो सकता है तीसरे सेक्शन में आपको लगे कि भाई नहीं इसमें से दो तीन में से कौन सा लिखूं, तो जहां पर आप अटक रहे हो उसमें आप देखो कि अलग अलग पॉइंट उस पर्टिकुलर ऐसे में मन में ये सब करना है, कितने मिल सकते हैं, यहाँ इस ऐसे में भाई 15 पॉइंट पड़े हैं, ये नीचे वाले ऐसे में मेरे को कितना, ये पॉइंट ये कम से कम 20-25 पॉइंट है, इसके नीचे वाले में कौन सा है 30 पॉइंट है, ओके। डू नॉट राइट एन ऐसे विच यू फील यू आर गुड एट, राइट दी ऐसे विच यू थिंक एंड यू हैव काउंटेड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन इट, ओके, गमन है, ईगो पर मत लो, ओके, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, इसमें वो कुछ जोड़ तोड़ करके नहीं भाई, ठीक
ठीक है, ईगो मत रखना इसमें, जहां पर मुद्दे मिल रहे हैं उसी को टिक मारो, ठीक है। और ये टिक मारने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि तीनों सेक्शन में, ठीक है, और यूपीएससी में जनरली क्या चार जितने ऐसे तो ऐसे ही आप उड़ा सकते हो, तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा कि भाई हमको जो है वो दोनों सेक्शन मिलाकर इतनी चीजें लिखनी है। तरण ऐसे फाइनलाइज करिया जीपीएससी माटे, बे ऐसे फाइनलाइज करिया यूपीएससी माटे, ये सब चीज करना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ ऐसे कुछ ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ के डिस्टिंक्ट पॉइंट के बेसिस पे एलिमिनेट होंगे और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगा। अब ये 5 मिनट में हो गया ये कामकाज, क्रियाकर्म कर लिया इसका, आगे बढ़ता है, ठीक है। हाँ, बाय द वे ये जो 5 मिनट, ये जो टाइम लिखा है ना मैंने, ये यूपीएससी और जीपीएससी दोनों के लिए सेम ही टाइम लिमिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक में आपको 1000 से 1200 और एक में 800 से 1000 में लिखना है, ठीक है। और ऐसा है कि टाइम लिमिट जीपीएससी में थोड़ी कम लगती है हमको, कि भाई एक 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 कलाक में 3 ऐसे करवाना चाहिए टोटल, ठीक है, जबकि 1.5-1.5 घंटे में यूपीएससी का करना है। तो यूपीएससी में भी थोड़ा स्पीड रखो और यही टाइम के हिसाब से जीपीएससी यूपीएससी का प्लानिंग करना। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, ये सबसे खतरनाक वाला पार्ट है, ओके। इधर से ही आपका डू और डाई सिचुएशन आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यह है कि मैं जो आपको नहीं पूछ रहा हूं कि भाई ऐसे में सूसो आवड़े है, ठीक है, लिखो जो वर्ड आ रहा है, रफ पेपर पकड़ो, ओके, रफ पेपर भी कैसा पकड़ना है, लास्ट 2 पेज आमने सामने वाले पकड़ने के, ओके, रफ पेपर हमेशा पर ऐसे 2 पेज पकड़ना, आमने सामने पकड़ना, ठीक है, ताकि तुरंत ऐसे करके देख सको। रफ वर्क के लिए ना लगभग 6 पन्ने तो देते ही हैं, तो 2-2-2 करके जीपीएससी में, और 4 पन्ने चाहिए होते हैं किसके लिए, यूपीएससी के लिए। तो वहां पर चले जाओ, फटाफट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, टाइटल लगाओ ऐसे का फटाफट, छोटा सा टाइटल भाई ऐसे क्या है, और उसके बाद लिख लो जितना भी शब्द, और कैसे लिखना है कहीं भी लिखो, ओके, एक शब्द कॉर्नर में मुझको, बीजो शब्द नीचे मुझको, और उस शब्द से रिलेटेड जो भी विचार आ रहे हैं लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये सारी चीज करनी है 10 मिनट में। 10 मिनट में आपको ख्याल आ जाएगा कि बेटा अपने से कितना पन्ना भरा जाएगा, ठीक है, पेन का इंक किधर खाली होगा, आया समझ में। तो दैट इज टू बी डन इन 10 मिनट्स, ओके, इससे ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ओके। यूपीएससी वाले 15 मिनट ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम और है आपके पास, ठीक है, 15 मिनट्स यू कैन टेक। जीपीएससी स्ट्रिक्टली 10 मिनट से ऊपर नहीं, ठीक है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ और शॉर्ट में लिखो, तुमको समझ आना चाहिए भाई। इंडस वाटर ट्रीटी लिखा है तो पूरा मत लिखो भाई, IWT करके लिख लो, अपने को समझ आ जाएगा, आया समझ में। शॉर्ट में लिखने का ट्राई करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मत लिखो, AI खत्म, ओके, टाइम वेस्ट मत करो। फिर जैसे ये हो जाए, नेक्स्ट स्टेज जो आपको ऐसे का फ्लो बताएगा, जो आपका दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज फाइनलाइज द फॉर्मेट ऑफ द बॉडी टू बी यूज्ड। भाई कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, पेस्टल यूज करना है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला यूज करना है, क्या करना है यूज, फॉर्मेट बताना है, ठीक है। फॉर्मेट 4-5 ही है, वो जैसे आप कंटेंट लिखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि भाई यही फॉर्मेट जा सकता है। बोले पेस्टल के हिसाब से तो मिल ही नहीं रहा है, हटा उसको। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, एक और कोई चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, बस जय श्री राम करके लग जाओ इस पे, खत्म, ठीक है। फाइनलाइज द इंट्रोडक्शन, ओके, जैसे ही फॉर्मेट सोचो ना, फॉर्मेट और इंट्रो दोनों को साथ में लिंक करता हुआ फॉर्मेट देखना। इंट्रोडक्शन में स्टोरी, तो स्टोरी से फॉर्मेट लिंक करना है, ठीक है, वो पूरा देखना है। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिंक द पॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, नंबर मारो, क्योंकि लिखा हुआ है क्या सब स्कैटर्ड वे में है, तो पहला नंबर इधर, दूसरा इधर, इसके बाद तीसरा ये पॉइंट यूज करूंगा, चौथा ये पॉइंट यूज करूंगा, पांचवा ये पॉइंट यूज करूंगा, ठीक है। नंबरिंग करो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, नंबरिंग ट्राई करो करने का, ओके। और जैसे ही नंबरिंग हो जाए ना, साइड पे लिखने का कि भाई इसमें मैं कितना पेज यूज करने वाला हूं, क्या ये मुद्दा ये टॉपिक के अंदर मेरा 1 पेज जाएगा, क्या ये टॉपिक के अंदर मेरा 15-20 वर्ड्स जाएंगे, क्या मेरा आधा पेज जाने वाला है, क्या इसमें 1.5 पेज जाएगा, बाजू में लिखते जाने का। तो इससे क्या पता चलेगा कि तुमको दिमाग में रहेगा कि जब लिख रहे हो ना ऐसे, तब पता चलेगा कि बेटा इधर स्टॉप होना है, ठीक है, आना थी वधारे जवान होना थी। पता चला कि एक ही चीज का 4 पन्ना लिख गए और जो काम का था उसका पन्ना ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसा बहुत होता है जब आप एडवांस, जब इंफॉर्मेशन बहुत होती है ना, तो ऐसा बहुत होता है, ठीक है। ये सारा चीज आप करोगे और 10 मिनट के अंदर, ये हो गया 25 मिनट
प्लानिंग का, ठीक है, अगेन ऊपर करके देख लो, और यही फॉर्मेट है भाई, ये फॉर्मेट मैंने कम से कम इस फॉर्मेट से 50 ऐसे लिखे हुए हैं, ओके, और ऐसे में बढ़िया मार्क आता है, जैसे 150 तक के मार्क आ चुके हैं 250 में से अपने यूपीएससी के अंदर, ठीक है, और जीपीएससी का फिलहाल याद नहीं है बट बहुत अच्छे मार्क थे, तो ऐसे इज माय फोर्टे ऑन पर्सनल स्केल, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई इस हिसाब से लिखो। अभी ये जो 25 मिनट में तुम प्लानिंग कर रहे हो ना, तुम्हारे आजू बाजू जो रूम में बैठे होंगे ना, मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से 15 तो चालू कर दिया होगा हम लोगों ने लिखना, जैसा ही पेपर आता है ना ऐसे टिक किया, चालू कर लिया, ठीक है, श्योर शॉट गारंटी इनका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है, लिख के दे रहा हूं, ओके, ऑब्जर्व किया हुआ है जितनी भी एग्जाम्स दी है, ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि एक टॉपिक लिखोगे फिर आएगा ओहो ये तो रह गया, जो खिचड़ी बनती है ऐसे की भाई साहब, ठीक है, ना रीडर को मजा आता है ना तुमको खुद मजा आता है कि क्या लिख दिया, रायता फैला के आ गए, ठीक है, तो डोंट पैनिक, अगर बाजू वाला लिखना चालू कर दिया है, ठीक है, उसको लिखने दो, तुम स्माइल रखो अपने पास और आगे बढ़ो, ठीक है, ये पैनिक वाला सिचुएशन चाहिए ही नहीं, 25 मिनट लो, ठीक है, क्यों, सर ने बोला है लेने का तो लेने का, ओके, वो किसी महान व्यक्ति का कोट है कि भाई अगर क्या बोलते हैं, 5 घंटे मेरे पास है एक पेड़ को काटने के लिए, शायद आइंस्टाइन ने उसी का है, तो बोले 4 घंटे तो मैं अपनी एक्स को शार्पन करने में लगाऊंगा, ओके, कुल्हाड़ी में शार्प करवानी, पछी 1 कलाक में कापी नाखीश, ओके, तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, ठीक है, लिंकन ने बोला तो लिंकन रखो, ठीक है, किसी के भी नाम पे आजकल चलता है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया मेन चीज, अब नीचे जब ऐसे लिखना चालू करो, अब ऐसे लिखना चालू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग भी ऐसे आपको पता है ऑब्वियसली, 30 मिनट्स के अंदर पूरा ऐसे लिख लेना है आपको, किस में, जीपीएससी में, ओके, यूपीएससी में 45 मिनट्स मिलता है आपको, क्योंकि पेजेस भी ज्यादा है, तो जीपीएससी में 8 पेज से ज्यादा मत लिखना, ठीक है, 8 से 9 मैक्सिमम, ओके, पर पेज जनरली जितना स्पीड हमने देखा है 5 मिनट का स्पीड लगता है, ओके, तो 5 मिनट का स्पीड अगर लगता है तो भाई एक ऐसे का 25 मिनट इसमें किया और तुमको 35 मिनट मिलता है 1 घंटे में, बट 30 मिनट में ट्राई करोगे तो 35 मिनट में तुम्हारा ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा सेकेंड ऐसे, ओके, और एक चीज और, 3 ऐसे में पहले 2 ऐसे जो लिखो ना जो तुमको बेस्ट पता है ना उसको पहले 2 में लिख लेना, ओके, और जिसमें तुमको रिलेटिवली कम कंटेंट मिल रहा है ना उसको तीसरे पायदान पे रखना, क्योंकि लास्ट वाला ऐसे में जो लास्ट में हैंडराइटिंग निकलते हैं ना आखिरी के 15 मिनट में, ठीक है, वो आप भी नहीं पढ़ पाओगे कई बार, तो ऐसा हैंडराइटिंग निकलता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो भी दिमाग में रखना, इट विल हैपन विद प्रैक्टिस ओनली। नेक्स्ट, जब ये ऐसे लिख रहे हो तब क्या ध्यान में रखना है भाई, टाइटल, टाइटल पढ़ो, ओके, हर 10 मिनट में थोड़ा टाइटल पढ़ो, पता चलता है कि भाई इधर उधर तो नहीं हो गए, पता चला भावनाओं में बह के कहीं और ही चले गए, पता चला टाइटल कुछ और ही था, ठीक है, मेंटेन स्पीड, ऑब्वियसली इसमें कुछ सोचना नहीं है, ऐसे में करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्ट्रक्चर के मार्क्स मिलते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक होए, ग्रामर व्याकरण में भूलो करी होए, तो तुम्हें डूबाना चांसेस 100%, ओके, स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने बनाया तो इसका मार्क मिलता है, ठीक है, कैंसलेशन ओछा में ओछू करू, छेक छाक, कुछ लोग अरे चालू किया फिर कैंसल कर दिया, ठीक है, आधा तो मूड इधर ही खराब हो जाता है, इसलिए बोलते हैं भाई वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा तो कैंसलेशन कम रखना हमेशा, ओके, हो सके तो कैंसलेशन करना ही मत, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता है क्योंकि ह्यूमन एरर होता है और इतना पैनिक और टेंशन रहता है, ठीक है, अंडरलाइन करना भाई कीवर्ड्स। अब इसमें एक चीज बता दूं, कुछ लोगों को है ना पता नहीं है, एक चीज बता देता हूं, जीपीएससी की यूपीएससी के एग्जाम जो है ना इसमें बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर सकते हैं, ओके, पेंसिल का भी यूज नहीं कर सकते, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये फरमान आया था 3 साल पहले जीपीएससी की ओर से, वो अलग बात है कि जीपीएससी पेंसिल भी अलाउ कर रही है और पेन में भी जेल पेन भी अलाउ कर रही है, ठीक है, यू कैन डू इट, बट अगर फरमान के हिसाब से जाओ ना तो बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, बी इट जीपीएससी और यूपीएससी, ठीक है, तो ट्राई करना बॉल पॉइंट पेन ही यूज करो, आप जेल मत यूज करना, क्योंकि अगर पानी वानी में इधर उधर कुछ हुआ ना तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ओके, अभी जो मैंने ये आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये बॉल पॉइंट पेन से लिखा है, अभी ऐसे वाला मैं जो दिखाऊंगा ना वो जेल पेन से लिखा है, ठीक है, जेल पेन में अक्षर बढ़िया आते हैं, ओके, बहुत बढ़िया अक्षर आएंगे, वो देखना, अभी इसका अक्षर टैली करना और उसका देखना, तो आपको थोड़ा फर्क दिखेगा उसके अंदर, ठीक है, बट ट्राई करना कि बॉल पॉइंट पेन से ही लिखो, थोड़ा अक्षर इधर उधर चलेगा, इट इज फाइन, ओके, सब समझते हैं लोग,
और लास्ट इम्प्रोवाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसे में ही अंदर इम्प्रोवाइजेशन होना है। कई बार ऐसा है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ओके? तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अंदर ही कुछ इधर उधर छेड़खानी कर लेते हैं कि बोले छोड़ो इसको ये पॉइंट नहीं यूज करना है, इसको कहीं और यूज करके बाद में करेंगे, इसको हम बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना, ओके? ये ऑन द स्पॉट अंदर ही होगा, ठीक है? ये कुछ पहले से प्लान नहीं किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसे में इम्प्रोवाइज कैसे करता है, ठीक है? तो दैट इज द होल प्रोसेस। खुशबू बोल रही है सर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पेजेस नीड टू बी रिटन इन यूपीएससी, 10 पेजेस फॉर यूपीएससी एंड 8 पेजेस फॉर जीपीएससी, 1000 वर्ड्स फॉर यूपीएससी, 800 वर्ड्स फॉर जीपीएससी, ठीक है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस एग्जाम्पल वगैरह है, ठीक है? ये सब करवाना था, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, रिमेनिंग ऐसे होमवर्क वोमवर्क करना है। तो अब देखो, अब है ना मैंने जो ऐसे लिखा है मैं वो दे रहा हूं, तो अपने उसको शेयर करता हूं, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये लिखा हुआ ऐसा है, मैंने अभी लिखा है, थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं, ठीक है? दिख रहा है टॉपिक, दिख रहा है? ये 2019 के जीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है? इंडिया राइट्स डेवलपिंग ब्रैकेट में ऑन इट्स सॉफ्ट पावर, एनालाइज द स्टेटमेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ओके? भारत तेना सॉफ्ट पावर थकी आगळ वधी रह्यु छे, सांप्रत संदर्भ में आ विधान नु विश्लेषण करो। ये ऐसे पूछा गया था जीपीएससी 2019 के अंदर, सिर्फ इतना टॉपिक ही देते हैं। और मैंने जिस हिसाब से लिखा है ना, ये जो स्पेस छोड़ा है लेफ्ट साइड पे, दैट इज द मार्जिन, ओके? आपका जब पेपर आएगा ना, तो पेपर के अंदर भी ऐसे ही मार्जिन आएगा, ओके? इस तरह से दो बाजू एक्चुअली मार्जिन आता है, इधर दूसरी बाजू मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा है, बस एक मार्जिन इधर आता है और एक मार्जिन इस साइड आता है, ऐसा, ठीक है? और राइट साइड के मार्जिन पे लिखा होता है कि भाई इधर कुछ नहीं लिखने का, क्यों? क्योंकि इधर हम लोग मार्क देंगे, हम मतलब चेकर लोग मार्क्स देंगे, ठीक है? तो डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? और इधर जो भी है, इधर सिर्फ और सिर्फ ये एरो वेरो या जो भी करना है वो करना, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी इस मार्जिन में नहीं आना चाहिए, ओके? चलो अब ये है टाइटल, ठीक है? इसको मैंने चूज कर लिया, ओके? वो 5 मिनट का काम मैंने कर लिया है कि भाई ऐसे को चूज करना था। अब देखो खास ध्यान देना, टॉपिक है इंडिया राइट्स ऑन इट्स सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर के ऊपर लिखना है और उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है, ठीक है? सिर्फ एक ही वर्ड दिया गया है, सॉफ्ट पावर, दैट्स इट। एंड सॉफ्ट पावर से बहुत कुछ पता चल जाता है, ओके? इट इज बेसिकली एन आईआर बेस्ड एसे, इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड एसे है, बट इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब डाल सकते हो, ओके? कैसे बताता हूं। अब पहले देखो, जैसे ही मैंने ये देखा, शॉर्टलिस्ट किया, सब देख लिया, मैं सीधा चला गया रफ पेज पे, ठीक है? देखो ये रफ पेज दिखाता हूं तुमको, कैसा है रफ पेज, ये है रफ पेज मेरा, ठीक है? दिख रहा है भाई रफ पेज, दिख रहा है? दो रफ पेज है मेरे, इसमें क्या ऊपर नीचे पीडीएफ में, ये देखो ऊपर वाला रफ पेज ये है, ये है ऊपर वाला, ये रफ पेज देखो, ठीक है? ऐसा होता है रफ वर्क, इसको बोलते हैं वो स्ट्रक्चर बनाना हो ये सब, ठीक है? अब इस रफ पेज को थोड़ा छोटा कर दूं कि चलो एक थोड़ा छोटा कर दे, दिख रहा है अभी इतना स्क्रीन पे दिख रहा है? तो एक बार यस लिखो और ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है अंदर, ठीक है? एक दो मिनट लो और इसमें देखो, ठीक है? और आप भी अपने मन में एक बार सोचो कि क्या क्या चीजें सॉफ्ट पावर के अंदर आ सकती है, ठीक है? जस्ट सी व्हाट ऑल हैव रिटन। मैंने आपको नहीं बोला कि वो वर्ड्स जो है उसको ऐसे ऐसे करके कहीं पर भी कुछ भी भबरा नहीं देवाना, स्कैटर करना है, ठीक है? तो आप देखो अलग अलग वर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसे कहां से चालू किया होगा, तो मैंने यहां से चालू किया होगा कि भाई सॉफ्ट पावर सुनते ही मेरे को हार्ड पावर दिखा कि भाई बे प्रकार ना पावर के सत्ता हो, एक हार्ड एक सॉफ्ट, ठीक है? फिर हार्ड में मेरे दिमाग में आया मिलिट्री कि भाई मिलिट्री है ना इकोनॉमी, अब ये हार्ड पावर के भाई, ठीक है? और फिर सॉफ्ट पावर होता है, इसमें क्या होता है कल्चर वैल्यू, ठीक है? ये सारी चीजें आती हैं, तो ये आया मेरे दिमाग में, ओके? अब देखो इसमें सॉफ्ट पावर में सबसे बड़ा वर्ड कल्चर आ गया, कल्चर में मेरे को क्योंकि क्या कर, तो तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ के गया था, तो दिमाग में आया योगा कि भाई योगा से ही होगा, ठीक है? फिर आयुष, योगा से आया कि भाई आयुष मंत्रालय भी कोई चीज होती है, ठीक है? उसके बाद मेरे को आया कि भाई नमस्ते भी कोई चीज है,
फिर वहां से मैं सोच के चला गया कि अगर योग लिख ही रहा हूं तो 21 जून, क्या पता डेट वेट भूल गया पैनिक में, तो लिख लो भाई डेट को भी उधर ही। फिर ये क्या लिखा है, IYD, इंटरनेशनल योगा दिवस, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया। फिर इससे याद आया कि भाई अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण चीज है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से याद आया रिलीजन, रिलीजन से बहुत सारी चीजें याद आ गई, ठीक है, कुंभ मेला, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, ओके, ये बहुत सारी आइटम मेरे को याद आ गई, ठीक है। फिर मेरे को याद आया कि भाई साहब अपने को सेक्युलर भी रखना है थोड़ा, ओके, तो इधर मैंने डाला तो नहीं है कि भाई सेक्युलर वाला मुस्लिम्स के लिए भी लिखना है, पारसी वगैरह के लिए भी लिखना है, बट ये मेरा मन में है कि भाई अभी छोड़ो, वो कहीं पे मैं एडजस्ट कर लूंगा। आया समझ में कि रिलीजन का आए तो सारे रिलीजन का आना चाहिए। फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई नटराज की जो मूर्ति है, ओके, इवन तो इसको मैंने यूज नहीं किया ऐसे में क्योंकि कहीं पे मेरे को सेट नहीं हुआ, बट नटराज की मूर्ति 5000 साल पुरानी सन के यहाँ पर रखी हुई है, सन करके एक यूरोप में लेबोरेटरी है, ओके, जहां पर ये चीज रखी गई है। फिर मेरे को याद आया भाई रामायण महाभारत एपिक्स अपने देश में है, तो वो लिख दिया मैंने। फिर 6 फिलोसॉफी याद आई, मैं घुस गया आर्ट एंड कल्चर में कि भाई साहब वो योग सांख्य वो सब याद आ गया, बोले इसको भी कहीं यूज कर डालेंगे, ठीक है। फिर कहीं थोड़े टाइम पहले ही एक्सटर्नल अफेयर्स में पढ़ा था कि भाई रामायण जो है, रामायण को थाईलैंड के अंदर रामकीन करके पुस्तक के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, फिर इंडोनेशिया में काकाविन करके यूज किया जाता है, तो ये कहीं से उड़ता उड़ता ऐसे करके आ गया यार, तो सब एक साइड डाल दिया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत हो गया इधर, ठीक है, थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है, बहुत कल्चर कल्चर हो गया, चलो वापस मिलिट्री पे। तो मिलिट्री में मेरे को आया कि भाई मिलिट्री में हम लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स पे लिखते हैं, अभी इसमें मैं क्या लिखूं, पता चला इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया। फिर मेरे को याद आया कि भाई भारत के पास ऐसा क्या मिलिट्री में है, तो हमने तो भाई लड़ाइयां लड़ी है, ठीक है, 4 लड़ाइयां लड़ी है हमने पाकिस्तान के साथ, सारी जीत गए थे, इधर अपने चाइना के साथ भी लड़े हैं और वो हार गए थे, आया समझ में। तो वो लिखा नहीं है बट वो मेरे को समझ आ गया कि चलो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज दिमाग में आ रहा है कि भाई यूरोप के साथ भी अभी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई लिस्ट बनाओ मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो याद आ गया, ठीक है। फिर याद आया कि भाई परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी से भी बम विस्फोट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर डेट लिख लिया, क्यों, क्योंकि आंकड़ा भी तो कोई चीज होती है, तो 1978 पोखरण। फिर उधर से सिप्री का रिपोर्ट याद आया कि भाई अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 156 हो गया है, ठीक है। अभी अभी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, आप देखो करंट अफेयर्स का इसमें कितना झोंक है, ओके, तो देखो कि 156 हो गया था, पाकिस्तान ने 160 से 165 कर लिया था, चाइना ने कुछ 320 से कुछ कर लिया, अभी याद नहीं है फिगर, बट कुछ बढ़ा दिया है, ओके। ये सब जब याद कर रहा था तो मेरे को आया कि चलो अभी तक ठीक है, आप थोड़ा इकोनॉमी पे भी हवा डालो। तो इकोनॉमी पे मेरे को पता चला, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, GDP होता है, जो कि धुल गया है, ठीक है, बट धुलने के बावजूद अपने 7वें और 3रे पायदान पे है, रैंकिंग है ना अपना GDP का, तो ये याद आ गया। इसलिए मैंने PPP लिख लिया कि भाई परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कुछ लिखेंगे। फिर फॉरेक्स अभी अभी हमने डिस्कस किया, $600 बिलियन के ऊपर चल गए हम लोग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरे को हवे में से वापस कल्चर में कुछ याद आ गया कि कल्चर में भाई डांस म्यूजिक ये सब भी तो कोई चीज है, तो ये लिख लिया म्यूजिक, ठीक है, डांस में मेरे डांस करके लिख लिया क्योंकि मेरे को पता है क्लासिकल फोक ये सब मैं डाल दूंगा। आर्किटेक्चर मेरे को लगा कि चलो इसमें ज्यादा टूल नहीं देते हैं क्योंकि मसाला बहुत है अपने पास लिखने को। फिर फिल्म इंडस्ट्री याद आ गया, फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि मैं पॉलिटिकल रीडिंग बहुत करता हूं, तो 3-4 साल पहले FTII का इशू आया था, ठीक है, एक बंदा था गजेंद्र चौहान ऐसा कुछ नाम था जो महाभारत में कभी युधिष्ठिर का रोल किए थे, तो इसको चेयरमैन बना दिया था FTII का, ठीक है। दिस इज माय बैकवर्ड लिंकेज क्योंकि मैं इतने साल से प्रिपरेशन किया हुआ हूं, तो मेरे को ये याद आ गया कि हाँ ऐसी भी कोई संस्था है, ठीक है, जो जिसकी कीर्ति बाहर तक फैली है बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड लिखने से बेटर है फिल्म इंडस्ट्री यूज करो, ओके, क्योंकि बहुत बार बॉलीवुड वाले लोग बॉलीवुड बोलते, बॉलीवुड बहुत गंदा लगता है, बोले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बात करो, ओके। फिर NSD हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आजकल नेटफ्लिक्स ये सब देख रहे हैं तो सारे बड़े बड़े दिग्गज NSD में से लिख रहे हुए, तो ये सब डाला। फिर मेरे को एक नया एंगल पकड़ने को आया कि यार ये सब ठीक है, अब थोड़ा कुछ कंपैरिजन भी तो करें कि बाकी लोग कहां पर है, तो कंपैरिजन में US का देखा, आया समझ में। फिर अफगानिस्तान देखा कि भाई US अफगानिस्तान में आर्मी डाले, इराक में भी आर्मी डाली, वियतनाम में आर्मी डाली, लीबिया में आर्मी डाली, सब याद आ गया, ठीक है, जितना याद आ गया था डाल दिया, ओके। फिर और ये सब याद आ गया, अभी अभी बिल्ड बैक बेटर करके एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है, G7 का, जिसमें भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया 3 लोगों को आमंत्रित किया गया था, तो
तो हम लोगों ने इसको काफी गाजे बाजे के साथ बजाया हुआ है कि भाई नहीं ये बहुत बढ़िया चीज है, तो ये क्या काउंटर कर रहा है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काउंटर कर रहा है, तो चाइना नीचे आएगा। रुको अभी चाइना पे चलते हैं अपने, ठीक है ये नीचे आ रहा है, देखो ये चाइना आया याद में कि भाई चाइना अपने को सबसे पहला, अगर मैं बोलूं कि एडवर्सरी कौन है तो अब चाइना है, ठीक है पाकिस्तान के दिन खत्म है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर याद आया कि भाई पैसा कितना यूज करते हैं, बॉर्डर इश्यू, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जीडीपी के आंकड़े, जीडीपी के कारण क्या सबको डेट ट्रैप में फंसा के रखते हैं, ठीक है कुछ नेगेटिव चीज भी तो याद आएगी, तो ये भी आया। फिर मेरे को लगा कि अब चालू कैसे करेंगे, कुछ तो हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा, तो हिस्ट्री में शशि थरूर ने कभी कुछ बात बोली थी ऑक्सफर्ड में जाके कि भाई भारत जो है वो 25-27% का जीडीपी रखता था, और हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भाई इतना पैसा था अपने पास, ठीक है कि पूरे ग्लोब में 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का था, तो भाई ये भी तो बहुत जबरदस्त चीज है जो लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रेन ड्रेन याद आ गया, दादा भाई नवरोजी याद आ गए, ये इधर मेंशन नहीं किया, वो उधर डाल दूंगा मैं, ठीक है। फिर यूके में चिकन टिक्का मसाला को नेशनल फूड मानते हैं, इस प्रकार के जोक प्रचलित है, ओके तो ये सब चीजें याद आती रहती है। फिर कोविड याद आ गया, कोविड में कुछ किया है क्या, तो वैक्सीन मैत्री, वंदे भारत, समुद्र सेतु, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये पूरा एक पेज भरा, ठीक है ये भरा मैंने 5-7 मिनट के अंदर, ओके। इस पेज में जो मेरा थॉट प्रोसेस था कुछ समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस लिखो, इसमें कहीं पे कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ओके फाइन, ठीक है। अब देखो अभी मेरे को यूएन याद आ गया, यूनाइटेड नेशंस याद आ गया कि भाई इसमें भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस में लिखना है तो क्या करेंगे, तो भाई मैं चला गया दूसरे पेज पे भी यूज करेंगे, जितना हो सकता था पहले पेज पे ठूसा, लेकिन फिर मैं आ गया दूसरे पेज पे, ठीक है। तो दूसरे पेज पे आपको दिखेगा कि जितना दिमाग में भरा हुआ था ना वो सब डाल तो पहले पेज पे दिया है, लेकिन अब जो निकल रहा है ना वो निचोड़ निकल रहा है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जो पहला आइडिया होता है ना उसको जनरली डिस्कार्ड कर देने का, ठीक है। पहले 2-3 आइडिया के बाद वाले जो आइडिया में चालू होते हैं ना वो वेल रिफाइंड आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये ऊपर वाला पेज देखोगे ना तो इसमें ये कचरा है, ठीक है ये क्या करूंगा इसका, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है दिस इज ऑल यूजलेस, ठीक है ये कचरे में से कुछ नहीं निकलने वाला, ये पहला आइडिया आया था, ठीक है इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो आइडिया आ रहा है, अब देखो रिफाइनमेंट कैसे होता है सेकेंड पेज के ऊपर, अब देखो यूएन दिख रहा है यहां पर कि बोले यूनाइटेड नेशंस क्या याद आया, यूएनएससी, कोरियन क्राइसिस, इवन तो कोरियन क्राइसिस यूज तो नहीं किया मैंने, इसराइल पैलेस्टाइन का भी इश्यू चल रहा है वो याद आया, इसराइल ईरान, मतलब ये याद आया कि भारत जो है वो इकलौता ऐसा देश है जो यूएस, रशिया, ईरान और इसराइल, पैलेस्टाइन और इसराइल, ठीक है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब एडवर्सरीज के साथ भी बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है। भारत के अंदर बैलेंस बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो यूपीएससी में भी तो ये मानी जाती है, तो बोले यूपीएससी में भी, जीपीएससी में भी बैलेंस डालो तो ये बैलेंस जाएगा उसमें से, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो रखी है, ठीक है तो इसको भी डालू ना मैं, तो इसको कहीं या तो यूएन में सेट करूंगा या आर्किटेक्चर के अंदर सेट करूंगा, ठीक है। बाबुल पूछ रहे हैं सर रफ वर्क ऑल्सो लीव्स एन इम्पैक्ट ओवर द चेकर, 100% यस, ठीक है। एवरी चेकर अगर वो जेन्युइन है तो, जेन्युइन इन द सेंस की शिद्दत से चेकिंग कर रहा है तो, ही और शी विल डेफिनेटली टेक अ लुक एट रफ वर्क। अगर रफ वर्क जबरदस्त दिख रहा है तो आधा गेम तो आपने उधर ही जीत लिया है, ठीक है। रफ वर्क में से ही वो बहुत सारे शब्द पकड़ लेगा, ठीक है, तो ही हैज एन ओपिनियन फॉर यू दैट यू विल राइट अ गुड एसे। फिर अगर ऐसे गुड निकला तो सोना में सुगंध बढ़वा जो थे, ठीक है। अब मैं सॉफ्ट पार लिख तो लिया, ठीक है। सॉफ्ट पार ये शब्द कौन लेके आया, तो ये शब्द लेके आया जोसेफ नाइ, ठीक है। अब ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, दिस इज माय ऑप्शनल नॉलेज, ठीक है। मैंने पकड़ा ही इसको इसलिए था क्योंकि मेरा ऑप्शनल का नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है। तो जोसेफ नाइ करके एक है, थिंकर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं उसको, तो उसने इस वर्ड को बताया था और ये बुक लिखी थी उसने, बाउंड टू लीड चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, कि भाई अमेरिका की जो स्थिति है सॉफ्ट पावर वो अब धीरे धीरे डामाडोल हो रही है,
ठीक है, अमेरिका की हेजीमनी, हेजीमनी એટલે કે વર્ચસ્વ હતું કે ભાઈ આજે આપણે ઘર ઘરમાં બર્ગર ને પિઝા ને આ બધું ખાઈએ છીએ. કોણ કોણ લાવ્યું? અમેરિકા. ઓકે, ફ્રેન્ડ્સ કરકે હમ લોગ સિરીઝ દેખતે હૈ. ઠીક હૈ, લોગ 10 કી 10 સિરીઝ કો 10 બાર દેખ ચુકે હૈ. ઓકે, ક્યા હૈ યે? ધીસ ઇઝ અમેરિકન વે ઓફ લાઈફ. ઠીક હૈ, તો યે સારી ચીજે સોફ્ટ પાવર બોલી જાતી હૈ. ઓકે, હોલીવુડ ની મૂવી જોવાની, ઇંગ્લિશ સુધારવાનું. ઠીક હૈ, યા લોગો કો અમેરિકા જવું છે, કેવી રીતે જઈશ? મૂવી યાદ આવી. ઠીક હૈ, બીકોઝ આઈ એમ અ મૂવી બફ, તો મેરે કો મૂવી સિરીઝ સબ દિમાગ મે બેંગ હુઆ કે ભાઈ યે ભી તો કોઈ ચીજ હૈ. ઠીક હૈ, તો ઇસકો લિખો. ફિર મેરે કો દિખા કે ભારત મે લીડર લોગો ને કુછ કામ કિયા હૈ કે નહીં કિયા, તો જવાહરલાલ નહેરુ યાદ આ ગયા. ઠીક હૈ, ઇવન દો બીજેપી વાલો કો યાદ નહીં આયેગા, બટ અગર આપ ઢંગ સે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન પઢોગે, ઠીક હૈ, તો સબસે જ્યાદા કિસી ને આઈઆર મે કામ કિયા હૈ તો વો નહેરુ હૈ. ઠીક હૈ, નહેરુ કે બાદ અગર કિસી ને આઈઆર મે કામ કિયા હૈ તો દેટ ઇઝ મોદી નાઉ. ઓકે, મોદી હેઝ ડન અ ટ્રેમેન્ડસ વર્ક એઝ ફાર એઝ આઈઆર ઇઝ કન્સર્ન. ઠીક હૈ, લેટલી વો ક્યા વિઝિટ નહીં કર પાયા કોવિડ કો લેકર, બટ 2014-19 વોઝ અ ગુડ પીરિયડ ફોર ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ. ઓકે, ફિર જવાહરલાલ નહેરુ કે ટાઈમ મે IWT ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટી પંચશીલ અગ્રીમેન્ટ યાદ આયે. ફિર મેને સોચા ગાંધીજીને ભી કુછ કિયા કે નહીં, તો ગાંધીજી કા યાદ આયા કે ભાઈ ઉન્હોને સોફ્ટ પાવર બ્રિટિશર્સ કે અગેન્સ્ટ યુઝ કિયા થા. ઓકે, તો યે સબ યાદ આયા. નોન કોઓપરેશન, સિવિલ ડિસઓબિડિયન્સ, ક્વિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ. ઠીક હૈ, યે સારી ચીજે યાદ આઈ. જલિયાંવાલા બાગ ભી યાદ આયા, બટ મેરે પાસ ક્યા ઇતના મટીરિયલ થા, મેને બોલા છોડો જલિયાંવાલા બાગ કો કહાં સેટ કરૂંગા. ઠીક હૈ, ફિર નેમ યાદ આ ગયા, ઇન્ટરનેશનલ સોલર અલાયન્સ યાદ આયા. ઓકે, ફિર મેરે કો યાદ આયા કે સબ સાઈડ પે રખો, સોફ્ટ પાવર મે ઓર ક્યા હૈ? તો ભાઈ હમારી જો ઇલેક્શન કમિશન હૈ, ઇસકો ભી હર કોઈ બુલાતા હૈ કે બેટા આકે ઇલેક્શન કરકે જા. ઠીક હૈ, ઇસકે અલાવા જો હમારા ડેમોગ્રાફી હૈ, ઠીક હૈ, ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ વર્ડ યાદ આયા થા. ઠીક હૈ, યુઝ ભી કરને વાલા થા, કર નહીં પાયા બીકોઝ કી બાદ મે નિકલ ગયા માઇન્ડ સે, બટ ઇન્ડિયા હેઝ અ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ, તો ઇસકો કહીં પે યુઝ કર સકતે હો. ક્લાઇમેટ મે, ઠીક હૈ, મિત્રો મિત્રો કરતે કરતે અપને 450 GW તક કા ટાર્ગેટ લેકર આયે હૈ ક્લાઇમેટ કે અંદર. ઠીક હૈ, બોલે 40% નોન ફોસિલ ફ્યુલ મે હમ લોગ કન્વર્ટ કરને વાલે હૈ, ઈ વ્હીકલ્સ હમ લોગ યુઝ કરેંગે. ઠીક હૈ, ટેસ્લા આ રહી હૈ, તો ક્લાઇમેટ મે ભી હમ લોગ બહોત જબરદસ્ત પ્રદર્શન કર રહે હૈ, તો ભાઈ ઇસકો ભી ડાલો. ઓર સ્પેસ તો અપના ક્યા બોલતે હૈ ડોમેન હૈ, તો ઇસકો ભી ડાલો. તો યે રિફાઇન્ડ ચીજે આના ચાલુ હુઈ. ઠીક હૈ, ઓર લાસ્ટ મે ફિર મેરે કો સોચ આઈ કે ભાઈ યે સબ તો ઠીક હૈ, અભી ચાલુ કેસે કરેંગે? સબ આ ગયા, અબ વો બાત આઈ ફોર્મેટ ઓર ઇન્ટ્રોડક્શન. ઠીક હૈ, નેક્સ્ટ સ્ટેપ મે તો ભાઈ ચાલુ કેસે કરના હૈ, તો ચાલુ એસે કરેંગે. ઠીક હૈ, પહેલે ઇન્ટ્રોડક્શન આયેગા, કુછ તો કરેંગે. ફોર્મેટ મેને સોચા, બોલે પેસ્ટલ, બોલે ગરીબો વાલા લગેગા, પેસ્ટલ વેસ્ટલ નહીં કરના હૈ, લાઈફ અપ્રોચ કરના હૈ. લાઈફ અપ્રોચ તોડ નહીં પાયેંગે, સોફ્ટ પાવર મે ક્યા લાઈફ અપ્રોચ. ઠીક હૈ, તો ફિર મેરે કો બેટર વહી લગા. ક્યું? ક્વેશ્ચન મે પૂછા પ્રેઝન્ટ કોન્ટેક્સ્ટ, તો જબ પ્રેઝન્ટ પૂછા હૈ તો પાસ્ટ ભી હોગા, તો ચલો પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ કે હિસાબ સે ચલતે હૈ. અબ પાસ્ટ મે ભી ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ તોડો, પ્રેઝન્ટ મે ભી ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ તોડો. ઠીક હૈ, ઓર ઇસકે અંદર જો તોડના હૈ વો મેને અંદર આન્સર મે તોડા હૈ. ઠીક હૈ, એસે કે અંદર, બટ યે બેસિક ફર્મા બોલતે હૈ ઇસકો, ફર્મા. ઠીક હૈ, મિસ્ત્રી કી ભાષા મે, કાર્પેન્ટર કી ભાષા મે ફર્મા તૈયાર હૈ. ઓકે, ઇન્ડિયા ઓર ઇન્ટરનેશનલ કરકે બાદ મે આપકો યે ભી પતા ચલેગા કે યે પાસ્ટ મે ના મેને ઇન્ટરનેશનલ પે લિખા હી નહીં હૈ. ઠીક હૈ, યે સિર્ફ મેને અભી તોડને કે લિયે રખા હુઆ હૈ, લેકિન ઇમ્પ્રોવાઇઝ કર દિયા થા બાદ મે. ઓકે, ફિર સબ કુછ બરાબર હૈ, બટ પૂરા થીમ ક્યા હૈ? ઓકે ભાઈ, એસે લિખ રહા હું તો મેરા મે પ્રોજેક્ટ ક્યા કરના ચાહતા હું. ઠીક હૈ, તો વાપસ હમ ચલે ગયે એસે કે ટોપિક પે, કે ઇતના સબ આ તો ગયા હૈ, અબ પ્રોજેક્ટ ક્યા કરોગે? ઠીક હૈ, તો દેખો એસે કા ટોપિક વાપસ યે દેખો, ઇન્ડિયા રાઇડ્સ ઓન ઇટ સોફ્ટ પાવર, મતલબ ભારત જો હૈ વો સોફ્ટ પાવર કે કારણ હી ઊંચાઈયા છૂ રહા હૈ, યા ઉસકા ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ હો રહા હૈ. ઠીક હૈ, ઓર ક્વેશ્ચન પૂછા ગયા એનાલાઇઝ કરીએ, મતલબ ઇસકા વિશ્લેષણ કરીએ કે ભાઈ એસા સહી માયનો મે હૈ કે આપકા કોઈ ઓર ભી ઓપિનિયન હૈ ઇસકે અંદર. ઠીક હૈ, તો મેરા પર્સનલ ઓપિનિયન ક્યા હૈ? તો લાસ્ટ મે મેરે કો વહી પ્રોજેક્ટ કરના હૈ, ઓર બેલેન્સ્ડ ઓપિનિયન ચાહિયે. તો મેરા ઓપિનિયન યે હૈ કે ભાઈ ઇન્ડિયા જો હૈ વો પાસ્ટ મે મિલિટરીલી ભી બહોત પાવરફુલ થા, ઇકોનોમિકલી ભી બહોત પાવરફુલ થા, સોફ્ટ પાવર હમારા સદાબહાર સદાકાલીન રહા હૈ. ઠીક હૈ, લેકિન બ્રિટિશર્સ આયે, સબ બિગાડ કે ચલે ગયે. ઠીક હૈ, વોટ વર વી લેફ્ટ વિથ? હમ સિર્ફ કલ્ચર કે સાથ રહે, લેકિન ઉસકે બાદ ઇન્ડિપેન્ડન્સ કે બાદ હમને ક્યા કિયા? તો હમને ધીરે ધીરે મિલિટરી માઇટ કો ડેવલપ કિયા, ઇકોનોમિક માઇટ ઓર પ્રોવેસ કો એક્સપાન્ડ કિયા,
और सॉफ्ट पावर को भी और फ्लरिश करवाया, आया समझ में? तो थीम क्या है मेरा या कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर के नाम पे आप ग्रो नहीं कर सकते हो, आपको मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर भी चाहिए, लेकिन इंडिया का एक एज रहा है जो कि है सॉफ्ट पावर, तो मेरे को पूरा ऐसे लास्ट में यहां पर आके स्टॉप करवाना है। तो पहले दिखाना है कि भाई पास्ट में क्या हुआ, फिर प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, मिलिट्री और इकोनॉमी में हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना बाकी है दूसरे कंट्री के हिसाब से, और मेन पार्ट जो मुद्दा बोलते हैं सॉफ्ट पावर का क्या डायमेंशन है आज की तारीख में, और लास्ट में कि भाई सॉफ्ट पावर माशाल्लाह है लेकिन मिलिट्री इकोनॉमी में भी हम लोग गेम में है, और ये तीनों का अगर पूरा मिश्रण यूज किया जाए विद सॉफ्ट पावर लीड करता हुआ तो हम जो है वो डेवलपमेंट पे राइड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये भूल ना जाओ, इसलिए मॉरल डाल दिया इधर लास्ट में। ठीक है, दिस इंडिया हैज एन एज व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर बट इट इज फेयरली कंपेटिटिव ऑन अदर फ्रंट्स। ओके, इंडिया राइड्स ऑन द सम टोटल, भाई आखा त्रणे त्रण वस्तुओनी जरूर छे पण सॉफ्ट पावर एक महत्वपूर्ण भाग भजवे छे। यहां पर मैंने इसको क्लोज किया। अब जब ये सब कर रहा था तो मेरे को सॉफ्ट पावर में भी सब में शॉर्ट कमिंग्स याद आई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सॉफ्ट कमिंग में ना मैंने थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एक इंस्टीट्यूट है लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया करके, ठीक है, उसने क्या बोला है कि 2017 में हम इतना सॉफ्ट पावर की दुहाई देते हैं, भारत में सिर्फ 50 लाख फॉरेन टूरिस्ट थे जबकि चाइना में 5 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट है। ठीक है, अब ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको आंकड़ा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो कुछ कुछ आंकड़े आपको मन में बिठा देने हैं, जहन में रखने हैं। ठीक है, और एक और आंकड़ा था, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आज की तारीख में चेंज भी हो सकता है, बट चाइना में 74 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रेवल देते हैं जबकि भारत में आज भी 60 ही देश देते हैं। ओके, फिर एक और चीज कि एक चीज तो भूल ही गए भाई, लास्ट पेज जो हम लोग पढ़ते नहीं है, स्पोर्ट्स में हम लोगों को मेडल नहीं मिल रहे हैं ओलंपिक में। ठीक है, तो भाई स्पोर्ट्स में भी हम लोग लैक कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र है जहां पर हम लोग लैक कर रहे हैं, जहां पर और आगे बढ़ने की संभावना है। और लास्ट में जो अपने याद कर रहे थे भाई वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड तो अपने को वही बताना है कि भाई और क्या चीजें है डेवलपमेंट में। तो तब याद आ गया कि भाई इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी में एनआरआई लोग भी तो पैसा दे रहे हैं, उनको हम सॉफ्ट पावर करके बुला तो रहे हैं लेकिन मोदी जी उनकी जेब से रेमिटेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में अपने लोग लिखेंगे। सारा चीज हो जाने के बाद फिर आया कि भाई इंट्रोडक्शन तो रह गया, ठीक है, कुछ एकदम धारदार इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो रोनाल्डो याद आ गया। ठीक है, क्यों याद आ गया, बोले दो कोका कोला का बाटली इधर से उधर कर दिया। ठीक है, तो रोनाल्डो ने ये जो किया इतना वायरल क्यों हो गया, अभी तुम सोचो दो चीजों की वजह से, एक रोनाल्डो खुद बहुत फेमस है और दूसरा कोका कोला खुद बहुत फेमस है। ठीक है, अब रोनाल्डो की जगह विराट कोहली भी ये चीज करता ना तो भी ये वायरल हो जाता। तो कहने का मतलब कि अपने कोका कोला पे फोकस करते हैं। अब कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, इट इज अ सिंबल, ओके, इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन। अब ये जो है ये निचोड़ है, ठीक है, ये आपको आएगा तो आएगा और नहीं आएगा, इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, सेम गोज विद मैकडोनल्ड्स, कोक और मैकडोनल्ड्स, ओके, क्योंकि आई हैव विजिटेड अमेरिका तो मेरे को ध्यान है कि भाई इसी से अमेरिका को हम लोग जानते हैं कि एक हाथ में कोकनी बाटली अथवा तो ननू टिन और एक हाथ में बर्गर के फ्रेंच फ्राइज लईने एक सामान्य अमेरिकी नागरिक जतो है। ओके, आ अपनी अमेरिका की छवि है। ओके, तो ये छवि को हिट हुआ इसीलिए ये वायरल हो गया। ठीक है, तो इसी छवि से मैं पूरा ऐसे लेकर जाऊंगा सॉफ्ट पावर के ऊपर। ठीक है, बाबुल बोल रहे ट्रंप, यस, ट्रंप का अगर किसी ने फोटो देखा हो ना तो ट्रंप ये बोलता था कि मैं तो फ्रेंच फ्राइज ही खाता हूं। ठीक है, ये सब बातें बेकार है कि जंक फूड नहीं खाने का, मैं 70 साल का हूं, मेरे को मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने हिलरी क्लिंटन को मेडिकल प्रॉब्लम थी, मैं क्या खाता हूं, मैं खाता हूं फिश, मैं खाता हूं ये फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, और प्लेन में प्राइवेट जेट में बैठा हुआ बर्गर पकड़े हुए फ्रेंच फ्राइज पकड़े हुए उसका फोटो वायरल हुआ था। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन एक भी बंदा नहीं सोचेगा, ठीक है, इतना मेरा श्योर शॉट गारंटी है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा है तो वाई नॉट यूज इट, आया समझ में? तो ऐसे करके, ठीक है, वो जो 10 मिनट से 15 मिनट का जो काम था वो मैंने पूरा किया। ये सारा चीज जो मैं अभी बोला 15 मिनट में ये मैंने लिखा है इसी स्पीड से। ठीक है, तो इट टुक अराउंड 15 मिनट्स टू डू दैट। ओके, अब आज की क्लास इधर समाप्त करेंगे, कल मैं आपको क्या बताऊंगा,
सेकेंड स्टेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब थर्ड स्टेज में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना कि भाई कितना वर्ड लिखेंगे, ये देखो ये नंबरिंग और ये सब दिखा है कि 15 लिखा है, 14 लिखा है, तो ये है मेरा सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर और फ्लो कैसे बनाऊंगा, वैसे तो आपको इंट्रो पता चल गया है, फर्मा आपका तैयार है, कंटेंट आपका तैयार है, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है पूरा कि भाई कहां क्या चीज सेट करेंगे, किसके बाद क्या क्या आएगा, पेज कैसे भरेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में ये बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा फिर मैंने ऐसे लिखा कैसे, ठीक है। ये मैं आज ग्रुप पे नहीं डालने वाला हूं, ओके, ये मैं कल ग्रुप पे डालूंगा एक बार आपको एक्सप्लेन करने के बाद, ओके। आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप कोई भी ऐसे इस फॉर्मेट के साथ अब लिख के बताओ और ग्रुप पे डालो, ठीक है। आपको दो दिन पहले इसलिए बोला था कि आप जो भी सड़ा हुआ भी ऐसे लिखोगे ना तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने शुरू कहां से किया था और मेरा प्रोग्रेस कहां पे हुआ है, ठीक है। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अब 2019, 2018, 2017 का जीपीएससी का कोई भी पेपर में से कोई भी टॉपिक उठा के एक ऐसे लिखो, या यूपीएससी का 2020, 19 या 18 का कोई भी पेपर उठा के उसका ऐसे लिखो, ठीक है। उसका ऐसे आज ग्रुप में डालना, कल मैं बाकी का स्ट्रेटजी मेरा ऐसे, ठीक है, और आपके ऐसे में जो मिस्टेक्स हुई है उसको बताऊंगा। अगर वो समाप्त हो जाता है तो कल ही हम लोग इंग्लिश की क्लास से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट हो अभी पूछ सकते हैं, और सब समझ में आ गया और लगता है कि भाई वैल्यू एडिशन अच्छा खासा हो गया है तो यस सर लिख लो, तो अपने क्लास समाप्त करेंगे। इधर कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, वन आई विल एंड द क्लास टुडे, ठीक है। चलिए ओके फाइन, ठीक है, प्लीज आप लोग प्रयास करो, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट आप लोग प्रयास करो। देखो अभी ऐसे लिखने जाओगे ना एक घंटा भी ये सब में लगता है ना, रफ वर्क और ये सब करने में, इट इज फाइन, चलेगा, अभी करो, ठीक है, ये मेहनत लगेगा बट एक बार दो बार कम से कम पांच ऐसे ऐसे लिखोगे ना फिर हर चीज आपकी फटाफट आने लगेगी, कंटेंट भी आएगा, स्पीड भी आएगी, और कल को उठ के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।